हे गाइस, आज हम लोग पढ़ने से पहले ये बात सुन लेते हैं कि यस, एट अनअकैडमी वी आर अप विथ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज आर्टिकलशिप ड्राइव. इंटरमीडिएट के एग्जाम्स कंप्लीट होने के बाद, रिजल्ट्स आने के बाद, स्टूडेंट्स आर नाउ सर्चिंग ऑफ कि कौन सी फर्म से हमें आर्टिकलशिप करनी है, किस हिसाब से ये प्रोसेस होने वाला है, सीवी कैसे भरनी है, रिक्रूटमेंट के इंटरव्यूज कैसे देने हैं एंड स्टफ. सो फोकस गाइज, फ्रेंकली स्पीकिंग, आप यहाँ पे देखेंगे दैट आर्टिकलशिप ड्राइव बेसिकली ये जो सबमिट है, इट एक्चुअली गिव्स यू टू बिगिन योर आर्टिकलशिप जर्नी विद अ बेस्ट एक्सपीरियंस इन वन ऑफ द बेस्ट फर्म्स. आपको करना क्या है, ये जो आपको दो स्कैनर स्टेप वन स्टेप टू दिख रहे हैं, उसके नीचे स्कैनर वन दिख रहा है, स्कैनर टू दिख रहा है, वहाँ जा करके आपको पहला तो टेस्ट देना है एंड एक गूगल फॉर्म सबमिट करना है आपके सारे क्रेडेंशियल्स के साथ. ठीक है, तो प्लीज डू पार्टिसिपेट इन दिस सबमिट. यू आर एक्चुअली गोइंग टू लाइक यू नो ब्लेस यू आर ब्लेस्ड गाइज बाय दिस सबमिट. ठीक है, सो फोकस ऑन दिस. एंड हाँ, अभी हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक. चलो तो आगे बढ़ते हैं. वेट, रुको, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलेगा कि हमारे ये सारे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं, और ये सारी जो हमारी प्रैक्टिस है आर्टिकल चेक सबमिट वगैरह, ये आपको कितना बेनिफिट देगी. ठीक है, इट विल रियली मेक अस हैप्पी दैट आवर मोमेंट्स, इट विल मेक अस हैप्पी दैट आर एफर्ट्स आर एडिंग वैल्यू टू योर जर्नी. ठीक है गाइज, चलिए लेट्स गो अहेड विथ द टॉपिक. RO 2020. सो गोइंग बैक, थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं गाइज. लेट मी स्पीक अबाउट कारो. तो चल शुरू करें कारो, लेट्स बिगिन. यस गाइज, बैक इन सेक्शन नंबर 143.11 हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, आपने पढ़ा ही होगा. सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन सम ड्यूटी टू स्टैचुटरी ऑडिटर एंड ये जो ड्यूटी है दैट इज विथ रिगार्ड्स टू एडिशनल मैटर्स के ऊपर रिपोर्ट कर. सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टैचुटरी ऑडिटर को क्या कहा कि रिस्पेक्टेड ऑडिटर्स, आपने खूब सारा रिपोर्टिंग किया अंडर सेक्शन 143.1, 143.3, 143.2 के अंदर ट्रू एंड फेयर व्यू, 143.12. नाउ अंडर सेक्शन 143.11 सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है आई विल गिव यू सम एडिशनल मैटर्स एंड ये एडिशनल मैटर्स पे आपको रिपोर्टिंग करना होगा. सो व्हेन आई टॉक अबाउट कारो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू कर दिया है एंड दैट इज कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर. वे लॉन्ग बैक ये कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर एवरी नाउ एंड देन गोज फॉर चेंज एंड अमेंडमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट को जैसे जैसे कोई एडिशनल मैटर लगता है डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस हैपनिंग इन द मार्केट, वो नए नए मैटर्स पे रिपोर्टिंग चाहता है फ्रॉम द ऑडिटर्स. सुब्रत और रॉय केस हुआ तो उन्होंने टाइटल डीड ऐड करवा दिया फॉर द रिपोर्टिंग ऑफ फिक्स्ड असेट्स. कई सारे ऐसे अलग अलग केस जैसे कि विसल ब्लोअर मैकेनिज्म ऐड हुआ, रिलेटेड पार्टी का मैकेनिज्म, मैनेजरल रेम्यूनरेशन का जो अमेंडमेंट आया, तो उसके वजह से हर बार कारों के जो मैटर्स होते हैं ना बच्चों, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग. एडिशन होता है, डिलीशन होता है, मिक्स होता है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ. द रीसेंट कारो विच इज एप्लीकेबल टू यू इज कारो ऑर्डर विच वॉज इशूड अंडर द ईयर 2020. मैम, इज दिस थिंग एप्लीकेबल फॉर आवर एग्जामिनेशन? यस. सो कारो 2020 इज एप्लीकेबल फॉर May 2022 एग्जामिनेशन ऑनवर्ड्स. May 2022 ऑनवर्ड्स जिनके भी अटेम्प्ट है उनको ये वाला कारो की रिपोर्टिंग एप्लीकेबल रहेगी. मैम, इस कारो में हम लोगों को क्या पढ़ना है, ये जो कारो है इसमें क्या चीजें पढ़नी है? गाइस, दो चीजें पढ़नी है. पहला, द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो रिपोर्टिंग, और दूसरा हमको पढ़ना है कि रिपोर्टिंग किन मैटर्स पे करना है. सो एप्लीकेबिलिटी में दे हैव गिवन यू द क्लास ऑफ कंपनीज. फ्रेंकली स्पीकिंग, डेफिनेशन पर्सपेक्टिव, यहाँ पे उन्होंने कुछ चुनिंदा कंपनीज पे स्टैचुटरी ऑडिटर को कहा कि कंपनी ऐसी रही, बैंक हुई, इंश्योरेंस हुई, तो आपको कारो रिपोर्टिंग नहीं करना. इसके अलावा जो भी कंपनीज है आपको कारो रिपोर्टिंग करना है. मैम, मतलब कि इफ यू आर द ऑडिटर ऑफ एनी कंपनी, इफ यू आर द ऑडिटर ऑफ एनी कंपनी, यू विल हैव टू मेक द एडिशनल रिपोर्टिंग अंडर द मैटर्स एज स्टेटेड अंडर कारो 2020. कुल मिलाकर के 21 क्लॉजेस है गाइस. ठीक है, सो कारो रिपोर्टिंग इज एप्लीकेबल
टू ऑल द कंपनीज, टू ऑल द कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज. मैम फॉरेन कंपनीज मतलब दोज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, सॉरी सॉरी, दोज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. हाँ, सो ऑल द कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी बट एक्सक्लूडिंग BIPSO, excluding BIPSO. What is BIPSO? Banking company, insurance company, some private company which are small private company, small company, OPC. तो ये सारे and other section 8 companies. ये सारे companies को हम लोग कहते हैं अगर आप इनके auditors हो तो आपको कारों में reporting नहीं करना है. मैम इनके किन के? Banking company, मेरे साथ साथ फिर से, banking company, इंश्योरेंस कंपनी, प्राइवेट कंपनी जिसका थ्रेशोल्ड लिमिट कम है. यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे 1, 10, पेड अप शेयर कैपिटल, बोरविंग्स, टर्नओवर लेस देन इक्वल्स टू. अगर टर्नओवर लेस देन इक्वल्स टू 10 करोड़ है, अगर बोरोविंग्स लेस देन इक्वल्स टू 1 करोड़ है एंड पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन इक्वल्स टू 1 करोड़ है, ऐसी कंपनीज का आपको ऑडिट करते समय एडिशनल मैटर्स पे रिपोर्टिंग नहीं करना. मैं आपको थोड़े से परमिटेशन और कॉम्बिनेशन आगे भी सिखाऊंगी. नेक्स्ट एस स्टैंड्स फॉर सेक्शन 8 कंपनी, स्मॉल कंपनी. मैम इनको कारो एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं होगा. ओ स्टैंड्स फॉर ओपीसी. ठीक है, सो एप्लीकेबिलिटी. अगर आप ऑडिटर हो ऑफ एनी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, आपको कारों में एडिशनल मैटर्स पे रिपोर्टिंग करना होगा, एक्सेप्ट फॉर द ऑडिटर ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस, प्राइवेट, सेक्शन 8, स्मॉल, ओबीसी, एक्सेप्ट फॉर BIPSO. याद रहा? पक्का. अब आगे मैम अगर एप्लीकेबल हो गया तो हम लोग क्या चीजें बताएंगे? हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी हुई 21 क्लॉजेस की रिक्वायरमेंट बताएंगे. तो मैम ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर में कहाँ लिखा है ये रिपोर्टिंग? सो ऑर्डर में गाइस पैराज होते हैं. सो पैरा नंबर 3 टॉक्स अबाउट रिपोर्टिंग. पैरा नंबर 3 में उन्होंने 21 क्लॉजेस के बारे में बात किया है जिसके ऊपर एक स्टैट्यूटरी ऑर्डिटर को रिपोर्टिंग करना होता है. एवरीवन बैकग्राउंड थोड़ा बहुत क्लियर है? थोड़ा परमिटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लें. क्वेश्चन नंबर 1, see for example guys, you are auditing any private company, okay? You are auditing any private company which is A Limited, okay? You are auditing private company that is A Limited. अब ये जो private company है, this is a subsidiary company of any public limited company. अब ध्यान दो यहाँ पे, when you talk about ये private company is a subsidiary of public limited company, don't you feel ये वाले company में public ने पैसा invest करके रखा है और sorry indirectly इस company का पैसा यहाँ पे invested है. अब मुझे बताओ ये company भले ये private company है जिसका threshold कम हो या ज़्यादा हो, इसमें पब्लिक इंटरेस्ट वाला पैसा जुड़ा हुआ है, तो इस पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को एडिशनल मैटर्स पे रिपोर्टिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट वाला पैसा जुड़ा हुआ है मैम. सो इफ एनी प्राइवेट कंपनी इज सब्सिडरी और होल्डिंग ऑफ एनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी, तो फिर कारो विल बी एप्लीकेबल. उनको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. सो कंक्लूडिंग, ये जो प्राइवेट कंपनी के बारे में मैंने बात की ना, प्राइवेट कंपनी, तो यहाँ पे एस्ट्रिक लगाओ और नीचे लेकर के आओ तारा जमीन पर. प्राइवेट कंपनी अदर देन दोज हु आर सब्सिडरी और होल्डिंग ऑफ एनी पब्लिक कंपनी. क्यों मैम? क्योंकि उनको एग्जेम्पशन नहीं है और ये वाली लिस्ट जो हमने बनाई वो तो एग्जेम्पशन की लिस्ट बनाई.
So moral of the story. CARO will be applicable to the auditor of which company? Of all the company. Including foreign company? Including foreign company. Excluding what? Excluding banking, insurance, private. Wait. Private not being holding or subsidiary of public company and having paid up share capital less than equals to 1 CR, borrowings less than equals to 1 CR, turnover less than equals to 1 CR. Section 8 companies, small companies and OPC. Inko CARO applicable nahi hoga. Everyone, ekdam understanding this, pakka? Sure. So, yahan pe pehla baat, jo applicability ka hume padna hota hai, that is clear. Ab aage badhte hai with the next very part. Question and answers, I'll take it afterwards. Yes, यहाँ पे आता है आपका applicability. Paid up share capital plus free reserves, total borrowings, total turnover and revenue. Getting that? Pakka? Chal. Ab aage badhte hai with the next handling. With the next very part. Itna hone ke baad, thoda sa samajhe guys, here. In case we are talking about consolidated financial statements, agar hum baat kare consolidated financial statements ki, ki company ki holding hai, subsidiary hai, associate hai, joint ventures hai, to kya in sare companies ke financial statements pe aapko additional matter reporting karna hai? Answer is nahi. Jabhi bhi consolidated financial statements aata hai, pure CARO mein sirf ek hi clause hai which is applicable, woh hai last wala clause. So CARO is not applicable to consolidated financial statements. It is only applicable with respect to last clause, except for last clause, clause number 21. Ma'am, chalo consolidation pe nahi applicable karwaya. Means, see for example, this is a company. Ye jo company hai, is company ki 4 subsidiaries hai. Kitni? 4 subsidiaries. Subsidiary A limited, subsidiary B limited, subsidiary C limited and D limited. Theek hai? 4 subsidiaries. Ab agar ye company ke baare mein baat karun, कंपनी एबीसीडी की सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मर्ज करके सीएफएस बनाएगी तो मुझे बताओ क्या मर्ज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे CARO लगेगा नहीं लगेगा चलो केस नंबर 2 ये कोई कंपनी है इस कंपनी की 4 ब्रांच है ब्रांच नंबर एक्स वाई जी और के 4 ब्रांचेस हैं अब क्वेश्चन ये उठता है कि ब्रांच अकाउंट पे CARO एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा समझे ब्रांच पे CARO एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा इट विल बी क्यों क्योंकि बच्चों ब्रांच कंपनी का हिस्सा है ब्रांच कोई एक सेपरेट अकाउंट्स क्रिएट करके आरओसी के पास फाइल नहीं करने वाला सो चलिए किताब में चलो CARO विल बी इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल द ब्रांचेस कंसोलिडेशन पे नहीं बट ब्रांचेस पे होगा गेटिंग दैट एप्लीकेबिलिटी वाला पॉइंट क्लियर है इतना शॉर्ट डन एकदम चोखो लागे चल तो अब हम आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट वेरी पार्ट दैट इज रिपोर्टिंग एप्लीकेबिलिटी खत्म हो गया अब रिपोर्टिंग पढ़ना है रिपोर्टिंग में कुल मिलाकर के बच्चों आपके 21 क्लॉजेस है एंड बहुत ही ब्रिलियंट ब्यूटीफुल से कंसेप्ट है यहाँ पे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं सो चल रिपोर्टिंग पढ़ना शुरू करते हैं रिपोर्टिंग में एज आई टोल्ड यू गाइस देयर आर 21 क्लॉजेस सो ये 21 क्लॉजेस में सबसे पहला क्लॉज आता है फिक्स्ड एसेट जो CARO 2016 में अब फिक्स्ड एसेट कहते थे यहाँ पे इसका नाम थोड़ा सा चेंज किया है एज इन यू माइट हैव बीन अवेयर अबाउट शेड्यूल 3 शेड्यूल 3 में हम लोग फिक्स्ड एसेट को क्या पुकारते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स प्रॉपर्टी So it is property, plant and equipment. अब इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं पहले दिक्कत समझो फिर आपको समझेगा कि यहाँ पे हम लोग रिपोर्टिंग किस चीज के बारे में करते हैं सी फॉर एग्जाम्पल मैं गई हूँ कोई ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करने अगर मैं गई हूँ कोई ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करने के लिए ऑडिट करने के बाद
ऑडिट करने के बाद तो क्या, ऑडिट करते समय मुझे लग रहा है कि कंपनी जो क्लेम कर रहा है ना कि ये जो फिक्स्ड एसेट, ये जो मैम ये जो ऑफिस आपको दिख रहा है ये ऑफिस हमारा है, मैम ये जो प्रिमाइसेस आपको दिख रही है ये प्रिमाइसेस हमारी है, मैम ये जो सारे फिक्स्ड एसेट है ये सारे फिक्स्ड एसेट हमारे हैं। जो चीजें ऑर्गेनाइजेशन क्लेम करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो कर रहा है कि द ओनरशिप ऑफ दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू अस, ये ओनरशिप सही नहीं है। सेकेंड पॉइंट, ठेकी मार रहा है, अरे मैडम हमारा जो प्लांट वो मुंबई के ऐरोली वाले एरिया में ना, ये प्लांट हमारा है। मैम जियो के तो लाइक प्लांट्स एंड मशीनरीज बहुत लंबी लंबी है, सब 1500 एकड़ की जमीन पे हमारा प्लांट लगा हुआ। मैंने कहा अच्छा जरा बताइए कहाँ है लगा हुआ तुम्हारा प्लांट। मैम अभी क्या वहाँ पे ओमनीक्रॉन चल रहा है तो आप जा नहीं पाएंगे। आई सेड कि बॉस आई वॉन्ट टू फिजिकली वेरीफाई द असेट। आप ये स्टफ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बीइंग मैनेजमेंट, आपके प्रॉपर्टी प्लांट्स मशीनरीज इक्विपमेंट्स इनका वेरिफिकेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मुझे मेरी जनता को जवाब देना है, क्योंकि कंपनी में जनता का पैसा लगा हुआ है। सो ऑल इन ऑल फिक्स्ड एसेट्स को लेकर के डोंट यू फील, ये सारी दुविधाएं होती हैं। बस इन्हीं दुविधाओं पे हमको रिपोर्टिंग करना है। पॉइंट नंबर वन, हम लोगों को हमारे शेयर होल्डर्स को इतना अश्योर करवाना है कि गाइस मैनेजमेंट ने प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखे हैं ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स। मैनेजमेंट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा है ऑफ दिस असेट्स। टाइटल ओनरशिप ऑफ दिस असेट्स बिलोंग्स टू द कंपनी। यहाँ पे कोई भी असेट ऐसा नहीं है जो बेनामी प्रॉपर्टी को बिलोंग करता है, या फिर यहाँ पे कोई भी असेट ऐसा नहीं है विच इज कवर्ड अंडर एनी मॉर्गेज। तो यहाँ पे हम लोग टाइटल डीड्स के बारे में भी लिखेंगे। सो तीन चीजें, PPT, फिजिकल वेरिफिकेशन, प्रॉपर रिकॉर्ड्स, टाइटल डीड्स, ये तीन चीजें हमको रिपोर्ट करनी है। व्हेन वी टॉक अबाउट टाइटल डीड्स बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा गाइस, टाइटल डीड सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए हम लोग रिपोर्टिंग करेंगे। मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए टाइटल डीड्स मेंशन करना, या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए टाइटल डीड्स के बारे में रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। सो ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैम क्या क्या चीजें लिखनी है यहाँ पे, यहाँ पे एंड हाँ इतना ध्यान रहे, इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन दोज लीज्ड असेट्स, अदर देन दोज प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपनी विच इज लीज अंडर द लीज अग्रीमेंट। जो लीज अग्रीमेंट के वाया लीज हो चुकी है इसके बारे में आपको नहीं मेंशन करना है विद रिगार्ड्स टू द टाइटल डीड। सो आपको क्या क्या चीजें बतानी है, आपको ये बताना है कि जो टाइटल डीड्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेंशन की हुई असेट्स है दे आर प्रॉपरली हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी। इफ नॉट, अगर ऐसा दे आर नॉट इन हेल्ड, दे आर नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी, देन यू नीड टू मेंशन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, ग्रॉस वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, द कैरिंग वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, किसके नाम पे है ये प्रॉपर्टी, वेदर द प्रमोटर डायरेक्टर और देयर रिलेटिव्स इनके नाम पे है क्या, कितने समय से पीरियड हेल्ड, इंडिकेटिंग द रेंज विच इज अप्रोप्रिएट, कि करीब करीब इतने सालों से ये प्रॉपर्टी कंपनी के पास है। रीजंस फॉर नॉट होल्डिंग दैट असेट, रीजंस फॉर नॉट होल्डिंग दैट प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ कंपनी, ये सब कुछ आपको बताना है। नेक्स्ट डी वाले पॉइंट, बच्चों डी और ई एडिशनल पॉइंट्स हैं। कारो 2016 में ये रिपोर्टिंग नहीं था, जो बच्चे ऑलरेडी कारो 2016 पढ़ चुके हैं आपको सिर्फ यहीं पे पीपीटी तक ही रिपोर्टिंग था। अब ये डी और ई आर द एडिशनल रिपोर्टिंग अंडर कारो 2020, क्या बात करता है समझो। पॉइंट नंबर वन, मेनी अ टाइम्स इन ऑर्डर टू फैब्रिकेट मेक द मैनिपुलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी क्या करती है, कंपनी फिक्स्ड असेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स का रिवैल्यूएशन कर देती है। जैसे कि अगर आज मुझे प्रॉफिट को कम मात्रा में दिखाना है तो मतलब मुझे डेप्रिसिएशन ज्यादा दिखाना पड़ेगा या फिर रिवैल्यूएशन लॉस दिखाना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मतलब कंपनीज क्या करती है, कंपनी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स को रिवैल्यू करती है और फिर कहती है अरे द असेट्स आर लॉस इट्स वैल्यू, ये रिवैल्यूएशन लॉस बुक कर देते हैं, इम्पेयरमेंट कर देते हैं और वैसा नोशनल लॉस पीएनएल में दिखा देते हैं, जिसकी वजह से द रियल जीपी या एनपी कम हो जाता है। सो डोंट यू फील दिस कैन बी द मेथड फॉर मैनिपुलेटिंग द अकाउंट्स फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाने के लिए। हेंस वी ऑल्सो रेफर, वी ऑल्सो रिपोर्ट द रिवैल्यूएशन ऑफ पीपी, द रिवैल्यूएशन ऑफ पीपी, वेदर द कंपनी हैज रिवैल्यूड इट्स पीपी इंक्लूडिंग द राइट टू यूज और एनी इंटेंजिबल। अगर रिवैल्यूएशन किया है हाँ, एंड द रिवैल्यूएशन मटीरियलिस्टिक अमाउंट यहाँ पे दिया है, एंड द रिवैल्यूएशन इज मोर देन और लेस देन 10% ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग वैल्यू इन द बुक्स। मतलब क्या, छोटा मोटा रिवैल्यूएशन किया तो इट्स ओके, रिपोर्ट मत करो, बट अगर रिवैल्यूएशन कंपनी ने 10% से ज्यादा का किया है, 10% से ज्यादा का किया है, देन यू नीड टू एडिशनली रिपोर्ट दैट इन टू योर कार।
When the revaluation किया है? Yes, if so, on the basis of valuation by the registered value, specify the amount of change. If the change is more, मतलब 10% more or less, then the net carrying value or intangible. So यहाँ पे लिखो plus और माइनस 10%. गॉट इट? पक्का श्योर 10% है इतना? गुड. इसके बाद आता है प्रोसीडिंग्स फॉर होल्डिंग बेनामी प्रॉपर्टी. अभी बेनामी प्रॉपर्टी क्या है समझो. बेनामी प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जहां पे द ओनर्स आर डिस्प्यूटेड, कोई केस वेस चल रहा है कि हु इज द रियल ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी. सो अगर बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कोई लिटिगेशन पेंडिंग है, सो आपको ये चेक करना है कि वेदर द कंपनी हैज मेड द अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर ऑफ सच प्रॉपर्टी. सो सबसे पहला डिस्क्लोजर आपको किस चीज का करना है? प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट. उसमें पांच चीजों का रिपोर्टिंग करना है. प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं, हाँ या नहीं? फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट कर रहा है, हाँ या नहीं? टाइटल डीड्स इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन लीज्ड असेट्स, इसके बारे में आपको बताना है कि टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पे ही है ना, वैलिड टाइटल डीड्स. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि वेदर द कंपनी हैज मेड रीवैल्यूएशन टू द फिक्स्ड असेट्स. अगर रीवैल्यूएशन किया है, यू नीड टू मैच इट अप. अगर 10% प्लस और माइनस रहा एज कम्पेयर टू द कैरिंग वैल्यू ऑफ दैट पीपी, तो आपको रिपोर्ट करना होगा. लास्ट फिफ्थ पॉइंट हम लोग बात करते हैं कि बेनामी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, मतलब बेनामी प्रॉपर्टी के रिगार्ड्स में कोई भी केस पेंडिंग है बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत, तो आपको उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर देना होगा. अब देखो एक सर्कमस्टांस. सी फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन जिनके प्लांट्स खूब बड़े, खूब 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 बड़े. मैनेजमेंट खुद के पास टाइम नहीं है कि वो हर साल में एक एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन करे ऑफ प्लांट्स. से फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस के बहुत सारे प्लांट्स हैं इधर एरोली साइड पे, मुंबई एरोली साइड पे, बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में, बहुत सारे अलग अलग एरियाज, लोकेलिटी, विलेजेस, सिटी सेंटर में है. तो वट डू यू थिंक द मैनेजमेंट ऑफ दैट कंपनी एवरी ईयर में एक चक्कर काटेंगे, अरे ये तो पूरा इंडिया भ्रमण हो जाएगा. 1 ईयर में फिजिकल वेरिफिकेशन वन टाइम करना पॉसिबल नहीं होता गाइस कई बार. सो हम लोग फिक्स्ड असेट के लिए क्या कहते हैं? फिक्स्ड असेट इंक्लूडिंग इंटेंजिबल, अगर आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, यू नीड टू डू इट एटलीस्ट वंस इन 3 ईयर्स. रिपीट, एटलीस्ट वंस इन 3 ईयर्स. अगर मैनेजमेंट ने वंस इन 3 ईयर्स फिजिकल वेरिफिकेशन कर दिया, दैट इज अ गुड पैरामीटर. अगर नहीं किया, यू नीड टू रिपोर्ट इट के मैनेजमेंट इज नॉट रेगुलरली वेरीफाइंग द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स. गेटिंग दैट इजी? चल, ये था पहला क्लॉज. नेक्स्ट आता है फिजिकल वेरिफ सॉरी नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री. यहाँ पे भी हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन चेक करते हैं. तो जब भी आप फिजिकल वेरिफिकेशन करो, तो इन्वेंट्री का मैनेजमेंट को हमको ये बताना है कि भाई साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है टू वेरीफाई इन्वेंट्री इन अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. अगर इन्वेंट्री रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में वेरीफाई नहीं हो रही है, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में वेरीफाई नहीं हो रही है, कोई डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है, तो ऑल इन ऑल हाउ इज दैट थिंग डेल्ट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसके बारे में रिपोर्टिंग करना. पॉइंट नंबर टू, दिस इज अ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रिपोर्टिंग विथ रिगार्ड्स टू इन्वेंट्री. पहले सिचुएशन समझो, फिर आगे बढ़ते. गाइस, सी फॉर एग्जाम्पल, यस, सी फॉर एग्जाम्पल, आई बीइंग द ऑडिटर ऑफ एनी कंपनी, आई वेंट टू द कंपनी. आपको पता होगा कंपनीज यूजुअली क्या करती है, कंपनीज अपने स्टॉक के बेसिस पे, कंपनी अपने इन्वेंट्री के बेसिस पे, इन्वेंट्री के बेसिस पे बैंक के पास से लोन लेती है, बैंक के पास से लोन लेती है. तो एक केस समझाती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट वाला रिपोर्टिंग लेती हूँ. यहाँ पे आ जाइए. या हियर यू गो. सबसे पहला, सी फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ कंपनी ए लिमिटेड. A Limited wanted to take up the loan worth rupees 1 crore, 1 crore का लोन चाहिए. एंड ये करंट लाइक यू नो कैश क्रेडिट जैसे हम लोग कहते हैं वैसा लेना. तो यूजुअली कंपनीज का क्या होता है, कंपनीज अपना इन्वेंट्री गिरवी रख देती है, गिरवी इन द सेंस इन्वेंट्री स्टेटमेंट फाइल करती है. उस इन्वेंट्री के बेसिस पे, वर्किंग कैपिटल के बेसिस पे बैंक ये सारा फंडिंग कंपनी को करता है. ठीक है, तो यूजुअली आपने देखा होगा कि कंपनी सबमिट करता है क्वार्टरली स्टॉक स्टेटमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास भी आता है कि सर स्टॉक सर्टिफिकेट साइन कर दीजिए. तो वो स्टॉक सर्टिफिकेट बैंक के पास सबमिट किया जाता है एंड बैंक फंडिंग दे देती है. ये कंपनी थोड़ी सी शाणी कंपनी निकली,
इस कंपनी ने क्या किया? उनको पता था, शानी कंपनी, उनको पता था कि यार मेरा इन्वेंट्री जो है ना वो इतना ज्यादा है नहीं, बट अगर कम इन्वेंट्री बताए तो बैंक लोन देगा नहीं, तो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो इन्वेंट्री जो शो किया है वो तो शो किया है 50 लाख, वो तो शो किया है 50 लाख, बट जो स्टॉक स्टेटमेंट बैंक के पास भेजा है ना उसमें इस इन्वेंट्री की वैल्यू हम लोगों ने रखी है 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए। बोलो सही किया या गलत? एब्सोल्युटली गलत किया। एंड हम तो है ही यहाँ के शहंशाह, है ना, लोगों का भला करने आए हैं। यहाँ पे बैंक लेंडिंग इंस्टीट्यूशन का गलत ना हो इसके लिए हमारी नेक्स्ट रिपोर्टिंग आती है। हम लोगों को मैच करना होता है द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एंड द स्टॉक स्टेटमेंट ऑफ द इन्वेंट्री एज स्टेटेड एंड द स्टॉक स्टेटमेंट। हमको ये मैच करने के बाद अगर पता चला कि वैल्यू इज डिफरेंट स्टॉक स्टेटमेंट में एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, हमको वो एडिशनली रिपोर्ट करना होगा। एवरीवन अंडरस्टैंडिंग द वेरी मीनिंग ऑफ दिस चार्ट? तो यहाँ पे समझो, वेदर एनी पॉइंट ऑफ टाइम द कंपनी हैज बीन सैंक्शन द वर्किंग कैपिटल एक्सेस ऑफ 5 करोड़, मतलब 5 करोड़ के ज्यादा का वर्किंग कैपिटल दिया, अमाउंट बड़ा है, इन एग्रीगेट फ्रॉम एनी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इफ द सिक्योरिटी ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ करंट पीपी दैट इज इन्वेंट्री, दैट इज इन्वेंट्री, वेदर द क्वार्टरली रिटर्न्स ऑफ द स्टेटमेंट फाइल विद द बैंक आर इन अग्रीमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जो स्टेटमेंट बैंक के पास से फाइल किया है और उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो इन्वेंट्री बताई है क्या ये मैचिंग है? इफ नॉट, अगर नहीं तो गिव डिटेल्स कि भाई साहब यहाँ पे गलत हुआ। अब सेकेंड नोट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बार बार जहाँ पे हम लोग ने पीपीई के बारे में पढ़ा, पीपीई के लिए गाइज आपने देखा वंस इन 3 ईयर्स मैंने अलाउ किया था फिजिकल वेरिफिकेशन, बट वेन इट कम्स टू इन्वेंट्री यू नीड टू वेरीफाई इन्वेंट्री एटलीस्ट वंस इन 1 ईयर। एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस श्योरली? सो यहाँ पे आपका सेकेंड क्लॉज खत्म होता है, आता है थर्ड क्लॉज, वेरी ब्रिलियंट क्लॉज अगेन। पुराना कारो 2016 वाला जो भी रिपोर्टिंग हम लोग करते थे, कारो 2016 वाला रिपोर्टिंग जो हम करते थे एंड कारो 2020 का जो रिपोर्टिंग हम लोग कर रहे हैं, इस कारो 2020 की रिपोर्टिंग में क्लॉज नंबर 3 में भयानक मात्रा में एडिशंस हुए। समझिए क्या है? दीज इन्वेस्टमेंट्स गारंटीज सिक्योरिटीज और लोन्स एंड एडवांसेस। सो बेसिकली ये क्या, किसके बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है इन्वेस्टमेंट्स गारंटीज सिक्योरिटीज लोन्स और एडवांसेस के बारे में। मैम किसने दिया है ये, किसको दिया है, क्यों दिया है, समझिए। हियर द कंपनी मीन्स, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कंपनी, ये कंपनी ने कोई भी प्रकार का गारंटी सिक्योरिटी लीज कुछ भी लोन्स, लीज नहीं लोन्स एडवांसेस, वेदर इट इज सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, किसको दिया है? दूसरी कंपनी को, एलएलपी को, फर्म्स को या थर्ड पार्टी को, मतलब कंपनी ने ट्रांजैक्शन किया है किसके साथ? कोई दूसरी कंपनी के साथ, एलएलपी के साथ, कोई दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट या रिलेटेड पार्टीज के साथ, ठीक है। तो क्या चीज चेक करनी है, पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, वेदर ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज प्रोवाइडेड लोन्स, प्रोवाइडेड एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन और स्टूडेंट्स गारंटर, प्रोवाइडेड सिक्योरिटी और टू एनी अदर एंटिटी नॉट एप्लीकेबल टू दोज। अरे मैम अगर ये बैंकिंग कंपनी हुई, बैंकिंग कंपनी हुई तो नहीं रे बाबा, क्योंकि बैंकिंग कंपनी का तो प्योर काम ही लोन देना होता है। अदर देन दैट अगर ऐसा हुआ है तो हमको ये मेंशन करना है द अमाउंट, इंडिकेटिंग द अमाउंट इन एग्रीगेट एंड द बैलेंस आउटस्टैंडिंग विथ रिगार्ड्स टू द लोन्स एडवांसेस गारंटी सिक्योरिटी टू द सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट एंड टू पार्टीज अदर देन सब्सिडरीज जॉइंट वेंचर और एसोसिएट्स। मतलब जब भी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को लोन्स एडवांसेस गारंटी सिक्योरिटी दे करके रखा है, आपको ये बाइफर्केशन देना है कि कितना खुद की एसोसिएट, खुद की जॉइंट वेंचर, खुद की सब्सिडरी के लिए दिया है और कितना अदर्स के लिए दिया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वेयर द गारंटी, वेदर द इन्वेस्टमेंट मेड, गारंटी इज प्रोवाइडेड, सिक्योरिटी इज गिवेन एंड द टर्म्स एंड द कंडीशंस, जो भी टर्म्स और कंडीशंस पे हम लोगों ने ये लोन्स एडवांसेस और गारंटी दिया है, इट शुड नॉट बी प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। व्हाट इज प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी? ये
कंपनी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, ये कंपनी के फेवर में होना चाहिए। पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी, मार्केट इंपॉर्टेंट एंड मार्केट एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन, खूब इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन। इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, इन द नेचर ऑफ लोन्स, वेदर द शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट हैज बीन स्टिप्यूलेटेड एंड वेदर द रीपेमेंट्स ऑफ द रिसीट्स आर रेगुलर और नॉट। मतलब क्या है, जहां पे जो एंटिटी का ऑडिट आप कर रहे हो उस एंटिटी ने किसी को लोन दे करके रखा है, तो जो पार्टी को आपने लोन दिया ना उससे रेगुलर रिसीट्स मिल रहा है, रेगुलर प्रिंसिपल का पेमेंट मिल रहा है या नहीं, उसके बारे में रिपोर्टिंग कर। नेक्स्ट मैम, अगर ओवरड्यू हो गया तो, मतलब कब से पैसा दे करके रखा था एंड ये ओवरड्यू हो गया है, तो आपको ये भी रिपोर्ट करना है कि अगर कंपनी का जो रिपोर्टिंग मतलब रिसीवेबल्स है वो ओवरड्यू हो चुका है, वो क्या हो चुका है, वो ओवरड्यू हो चुका है, तो उस ओवरड्यू को रिकवर करने के लिए हम लोगों ने क्या स्टेप्स लगाए हैं, हम लोगों ने क्या स्टेप्स लगाए हैं, इसके बारे में आपको मेंशन करना। तो कितना चीज हो गया, चार हो गया। सबसे पहला क्या था, जहां पे आपने लोन्स एडवांसेस गारंटी वारंटी दे करके रखा है तो बाइफर्केशन देना, कितना खुद की एसोसिएट सब्सिडियरी और जेवीज के लिए किया है। दूसरा पॉइंट था, जो भी टर्म्स और कंडीशन है इट शुड नॉट बी प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तीसरा पॉइंट था, अगर ये ओवरड्यू हो चुका है मतलब जो शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट है वो रेगुलर है, अगर ओवरड्यू हो गया है तो व्हाट आर द स्टेप्स फॉर रिकवरी। और दो पॉइंट्स है गाइस, ई यहाँ। अब देखो हुआ क्या, सी फॉर एग्जाम्पल, यू वेंट टू एनी कंपनी जिन्होंने लोन शोन दे करके रखा है किसी ऐसे पर्सन को जो खुद की सबसी है, खुद की एसोसिएट है या जेवी है, मतलब रिलेटेड। अब वो जो एसोसिएट है जेवी है उन्होंने रिटर्न पैसा नहीं दिया है टू द कंपनी, उन्होंने रिटर्न पैसा नहीं दिया है टू द कंपनी, व्हाट शुड बी अ वाइज डिसीजन, व्हाट वाइज डिसीजन शुड बी टेकन। और पैसा देते रहो, वो लोग हमारा पैसा खा जा रहे हैं फिर भी उनको और रियम्बर्समेंट देते रहो, एक्सटेंशन देते रहो, यस यूजुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन दैट केस देखो, दे हैव फॉलन ओवर ड्यू एंड हैज बीन रिन्यूड और एक्सटेंडेड और फ्रेश लोन इज इश्यूड, फ्रेश लोन इज इश्यूड, देन यू नीड टू स्पेसिफाई क्या सच रिन्यू एक्सटेंशन और द फ्रेश लोन इशू। अगेन एन एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन, ये पहले कारों में नहीं था, अभी वाले कारों 2020 में है। क्या बोलते हैं, वेदर एनी लोन्स और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन ग्रांटेड हैव फॉलन ड्यू ड्यूरिंग द ईयर, हैव फॉलन ड्यू, हैव फॉलन ड्यू, हैव फॉलन ड्यू। मैम मतलब अगर वो ड्यू के अलावा कुछ नया दिया तो उसका रिपोर्टिंग नहीं करना, हैव फॉलन ड्यू यहाँ पे, ड्यूरिंग द ईयर हैज बीन रिन्यूड और एक्सटेंडेड, मतलब जो ड्यू था वो रिन्यू कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है, और फ्रेश लोन हैज बीन ग्रांटेड टू सेटल द ओवरड्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लोन, देन इफ सो यू नीड टू मेंशन द एग्रीगेट अमाउंट। क्या मेंशन करना होगा, द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच ड्यू जो रिन्यू हुआ है और एक्सटेंड हुआ है और सेटल किया है बाय द फ्रेश लोन, एंड इंडिकेट करना है द परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट टू द टोटल लोन्स। मतलब क्या, मैंने 100 करोड़ का लोन दे करके रखा है, किनको, 100 CR का लोन दे करके रखा है, मिस्टर ए को, सॉरी ए लिमिटेड को, बी लिमिटेड को, सी लिमिटेड को। ए लिमिटेड को दिया है 50 करोड़, बी लिमिटेड को दिया है 10 करोड़, इसको दिया है 40 करोड़। 40 करोड़ में से 30 करोड़ का लोन वो हमको वापस नहीं दे पाए, 40 करोड़ में से 30 करोड़ का लोन वो हमको वापस नहीं दे पाए। नाउ इन दैट केस, इस लोन की भरपाई के लिए मैंने इसको एक्सटेंशन किया है या फिर इसको रिन्यू किया है या फिर अ फ्रेश लोन दिया है टू सेटल दिस लोन। अब मैं क्या बोलूंगी, आउट ऑफ टोटल 100 CR 30, मतलब 30% इज बीन रिन्यू। आपको परसेंटेज समझा है, तो परसेंटेज ऑफ द लोन विच इज एक्सटेंडेड, ओवर ड्यू जो हो गया है, एक्सटेंड किया, अ फ्रेश लोन दिया टू द टोटल लोन्स विच यू हैव प्रोवाइडेड, that percentage will have to be mentioned।
And this will not be applicable to the companies which are engaged in pure financing business. मतलब बैंक, इंश्योरेंस, एनबीएफसी है तो आपको ये लागू नहीं होगा क्योंकि उनका तो काम ही है लोन शोन देना. इसके अलावा गाइज इसका एक क्वेश्चन हमको करना है, ये लास्ट क्लॉज अंडर 3, whether the company has granted any loans or advances in the nature of loans, either repayable on demand or without specifying the term. मतलब कोई टर्म जिसका फिक्स नहीं है. If so, then आपको मेंशन करना है aggregate amount कि यार कितने अमाउंट में से, टोटल 100 करोड़ में से 25 करोड़ ऐसा है which is to be recovered on demand and the percentage of the loan such granted. To whom? To promoter, related parties as specified under Companies Act. Everyone? Pakka? So, these are the loans repayable on demand. The loans repayable on demands. समझता है? Short. एकदम done. चोकोल आ गए? चाओ. So, that was about clause number 3. Clause number 4 पढ़ने से पहले, guys, I want you all to see one question with regards to clause number E. उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. चल, पहले question करते हैं. चल, तो पहले question देख लेते हैं. Here. Company A has an opening loan of 100 CR, of rupees 100 CR, and granted 3 more loans of rupees 200, 300, 400 during the year. मतलब opening balance था 100 करोड़ का, and इन्होंने इस साल में और 200 करोड़, 300 करोड़ और 400 करोड़ during the year और loan दिया है. The company extended the tenure in respect of 2 loans, जो कि 100 करोड़ का अमाउंट है एंड 200 करोड़ का अमाउंट है, विच फेल ड्यू फॉर द रीपेमेंट. ठीक है, विच फेल ड्यू फॉर द पेमेंट. द परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट टू द टोटल लोन्स और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस ड्यूरिंग द ईयर फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग अंडर क्लॉज 3E. पहले तो 3E याद आ गया, ये वाला जो क्लॉज मैंने आपको सिखाया. मैंने आपको बोला परसेंटेज वगैरह आपको मेंशन करना है. ये देखो यहाँ पर बोला था मैंने आपको, दिस इज एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन. ये है 3E, बोलता है कि अगर आपने रिन्यू या एक्सटेंड किया है तो उसका परसेंटेज लेना है टू द एग्रीगेट लोन्स और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ दिस इज ड्यूरिंग द ईयर. चलो, अब मैंने तुमको प्रोविजन भी दिखा दिया है, क्वेश्चन भी दिखा दिया है. इन द इंस्टेंस केस वुड बी, मतलब वो जो परसेंटेज का रिपोर्टिंग करते हैं ना, परसेंटेज का रिपोर्टिंग वो कितना होगा, इतना तो पता है ऊपर वाले ब्रैकेट में आना चाहिए 300, क्योंकि दिस वॉज फॉलिंग ड्यू एंड इसको एक्सटेंड किया है. बट नीचे कितना आएगा यहाँ पे, 33%, 20%, 100%, 0%. बताओ, पहले तो टोटल करो. 400 प्लस 300, 700 प्लस 200, 900 प्लस 200, 900, ओके, एंड दिस इज 100. तो टोटल में यहाँ पे 900 लिखेंगे या 1000 लिखेंगे, कैंसिल करके देखो कितना हो रहा है. 300 डिवाइड बाय 900 परसेंटेज 33.33%. 33.33%. मैम क्यों 1000 नहीं लिखा? 1000 नहीं लिखना है गाइस, क्योंकि हम लोग परसेंटेज लेते हैं टू द लोन्स एंड एडवांसेस मेड ड्यूरिंग द ईयर, और ड्यूरिंग द ईयर कितना मेक किया है, 900, ना कि 1000. 100 तो ओपनिंग बैलेंसेस था. यू ऑल गेट दैट? एवरीवन अंडरस्टैंडिंग? फिर से पढ़े, हम लोग किन चीजों के बारे में परसेंटेज का रिपोर्टिंग करते हैं? हम लोग उन लोन्स एंड एडवांसेस का परसेंटेज शो करते हैं जिसका टेन्योर इज एक्सपायर्ड या फिर एक्सटेंड किया है. तो इतना तो मुझे पता चलता है कि 300 इज द अमाउंट ऑफ लोन विच इज एक्सटेंडेड, जो एक्सपायर हो चुका था. बट दिस विल बी टेकन एज अ परसेंटेज टू वॉट, टू द टोटल एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन्स ग्रांटेड ड्यूरिंग द ईयर. बोलते इस साल कितना आपने दिया उसमें से कितना ओवरड्यू हो चुका है. इस साल आपने कितना दिया है, 200, 300 प्लस 400, दैट इज 900.
into 100. What is the percentage? 33.33%. The question being, why I have not considered 100? Because 100 is not actually given in the current year. That is the opening balance. So what should be the answer? Option A should be the right answer. And the correct answer is option number A. Everyone getting this? So guys, one more very important news to be taken note of. Karo 2020 ke liye, maine MCQs ke kai sare Mahasangram sessions karwaye hai. That is available on Unacademy special platform. Unacademy special class platform. So in order to practice such MCQs, you can very well go to my profile and profile mein ja karke aap evaluate kar sakte ho MCQs which I have taken. And also one more thing. Yahan pe guys, there is also one tracker sheet which I have made for the Unacademy Plus batch, special batch and other students. So you can very well take the accessibility of all the special classes done. Ye dekhi guys, these are the special classes yahan pe. Ye dekhi yahan pe. MCQs jo ho rahe hai na. So you can very well view this special classes sessions wherein I have taken MCQs of Karo. ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चंस आपको और प्रैक्टिस करने के लिए स्पेशल प्लेटफॉर्म इवैल्यूएट कर सकते हैं. एंड हाँ, अगर अनअकैडमी पे अनलॉक कर रहे हो तो यू कैन वेरी वेल यूज द कोड ऑडिट सर. चल तो अब गोइंग बैक टू द टॉपिक, क्वेश्चन इज डन. अब पढ़ना शुरू कर देते हैं द नेक्स्ट वेरी क्लॉज, दैट इज क्लॉज नंबर क्लॉज नंबर फोर इज एन ईजी क्लॉज. क्लॉज नंबर फोर में द ऑडिटर नीड्स टू रिपोर्ट अबाउट द लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, गारंटीज, सिक्योरिटीज under section 185 and section 186 of the Companies Act. So, यहाँ पे अगर कंपनी ने डायरेक्टर को लोन दिया है या कंपनी ने इंटर कंपनी लोन लेकर के दे करके रखा है, यहाँ पे यू नीड टू गिव डिटेल्स देयर. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर द लोन्स टू द डायरेक्टर्स शुड ऑलवेज इन कंप्लायंसेस विद द प्रोविजन ऑफ 185. अगर ऐसा नहीं है तो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल्स देनी होगी कि कहाँ नॉन कंप्लायंसेस है. नेक्स्ट, When it comes to public deposits, अभी public deposit क्या चीज़ है समझो. जब भी वो auditor financial statements audit करता है, एक crucial matter आता है deposits का. मैंने आपको inquiry के areas में भी deposit पढ़ा करके रखा था guys. 143(1) के तहत ये already हम लोगों ने inquiry के नाम पे पढ़ करके रखा है guys कि deposit is that area जहाँ पे loans and advances should not be shown as deposit. So deposit always is a very crucial matter जो ऑडिटर को इवेल्युएट करना होता है. तो अंडर क्लॉज 5 वी नीड टू मेंशन अबाउट द कंप्लायंसेस विद द प्रोविजन स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन नंबर 73 टू सेक्शन नंबर 76A. कभी भी कंपनी ने अगर पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किया है, दे आर इन कंप्लायंसेस विद द रेलेवेंट प्रोविजन. एंड ऑल्सो यू नीड टू वेरीफाई अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन हुआ है तो वो क्या है. सेकेंड पॉइंट जो आपको लिखना है इज दैट कि अगर NCLT, CLB कोई कोर्ट ने कंपनी को ऑर्डर दे करके रखा है विद रिगार्ड्स टू एनी काइंड ऑफ डिपॉजिट्स, एनी काइंड ऑफ अमाउंट, वेदर द कंपनी हैज कंप्लाइड विद दैट ऑर्डर और नॉट. तो दो चीज के बारे में रिपोर्टिंग है, कंप्लायंसेस विद प्रोविजन एंड कंप्लायंसेस बाय ऑर्डर गिवन बाय CLB, NCLT, रिजर्व बैंक और एनी अदर कोर्ट. नेक्स्ट आता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स, अ वेरी क्रूशियल मैटर अगेन. कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए आई विल टेक यू हियर. देखो बच्चों, कॉस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में सेक्शन नंबर 148 कम्स इनटू पिक्चर. कॉस्ट, अभी कॉस्ट में वहां पे दो चीजें पड़ी थी गाइस, क्या क्या समझो पहले यहाँ पे. या सो सेक्शन नंबर 148 मेड यू विल अंडरस्टैंड टू थिंग्स. पहला था कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना और दूसरा था उस कॉस्ट रिकॉर्ड्स का ऑडिट करवाना. ठीक है, सो अब कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम किसका था, इसके नीचे कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम किसका था, ब्रैकेट में आएगा मैनेजमेंट का काम. कॉस्ट ऑडिट करवाने का काम किसका था, कॉस्ट ऑडिटर, वहां पे हम लोगों ने CMA को अपॉइंट किया. तो दो चीजें हम लोगों ने सेक्शन नंबर 148 में पढ़ी है, इतना समझा पक्का श्योर. अब थोड़ा सा आगे, व्हेन वी टॉक अबाउट कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट ऑडिट को भी थोड़ा साइड में रहने दो, कॉस्ट रिकॉर्ड्स को लेकर के आया. ये जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स कंपनी मेंटेन कर रही थी, 148 में एक रिक्वायरमेंट था दैट द कंपनी शुड मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड इंक्लूड इट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, इंक्लूड इट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी. सो वेरी वेल अंडरस्टूड गाइस, अगर ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंक्लूडेड है
यू बीइंग स्टैट्यूटरी ऑडिटर आपको यहाँ पे कारों में रिपोर्टिंग करना होगा वेदर द कंपनी हैज मेड एंड मेंटेन्ड सच कॉस्ट रिकॉर्ड्स जो 148 के तहत रिक्वायर्ड थे. अगर उन्होंने बनाए हैं ठीक है, बस उतना ही रिपोर्ट करना है. मैम वो सही है कि नहीं, गलत है कि नहीं, ये सब हम रिपोर्ट करेंगे? नहीं, उसके लिए कॉस्ट ऑडिटर था ना, उसके लिए कॉस्ट ऑडिटर भाई साहब है. एवरीवन गेटिंग दैट? एकदम परफेक्टली इजी. सो हम लोग यही चीज यहाँ पे मेंशन करेंगे कारों में, सिर्फ एक चीज, कॉस्ट रिकॉर्ड्स वेदर दे आर मेड एंड मेंटेन. क्यों? क्योंकि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का हिस्सा है. समझ में आता है पक्का? सो कमिंग बैक here, whether the cost records specified under section 148, whether they are made and maintained, that's it. Ma'am, cost audit के बारे में कुछ बोलना है क्या? नहीं. Ma'am, correct है कि नहीं ये बोलना है क्या? नहीं. Got it? पक्का sure? Now going to the next question. Next is clause number 7. Clause number 7 talks about statutory dues. दो चीजें हमें यहाँ पे भी mention करनी होती है. समझो. Dues के लिए ड्यूज के लिए अगेन यू हैव टू थिंग्स टू रिपोर्ट. पहला एक होता है डिस्प्यूटेड ड्यूज, दूसरा होता है अनडिस्प्यूटेड ड्यूज. एक होता है डिस्प्यूटेड ड्यूज, दूसरा होता है अनडिस्प्यूटेड ड्यूज. अब जो डिस्प्यूटेड ड्यूज है ना, डिस्प्यूटेड ड्यूज, ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है. क्यों? इसमें आपको क्या क्या मैंशन करना होता है, कहाँ झगड़ा झुगड़ी चालू है, मतलब विच फोरम, विच एक्ट, वॉट इज द अमाउंट, कितना झगड़ा झुगड़ी है, किस एक्ट के तहत है और कहाँ पे ये झगड़ा झुगड़ी चल रहा है. बट बात जब भी आती है अनडिस्प्यूटेड ड्यूज की, ये जो अनडिस्प्यूटेड ड्यूज है ना, दिस अनडिस्प्यूटेड ड्यूज इज वेरी डिफिकल्ट, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पे मोर कंपनी की लाइक नेग्लिजेंस की किस्से सुनाई देते हैं. मतलब अगर चीजें झगड़ा झुगड़ी में है, अगर चीजें डिस्प्यूटेड है, तो हमको पता है झगड़ा झुगड़ी सॉल्व होने के बाद ही हम पेमेंट करें. बट अगर चीजें झगड़ा झुगड़ी में नहीं है, तो कंपनी में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि पेमेंट क्यों नहीं किया, Why are you so irregular in making the payments? So, जो undisputed dues है ना, उसके बारे में we need to talk about regularity. समझ में आता है? तो चलो एक चार्ट बनाते हैं फिर से. चलिए, dues आता है दो चीजें, undisputed dues, disputed dues. Undisputed dues में we speak about regularity. And disputed dues में we speak about, ये easy वाला केस, जहां जहां cases चालू है वहां पे आप बता दो कौन से forum के तहत, कौन से act के तहत, और कितने amount का पैसा बाकी है, एक scheduler बता दो, ये easy. यहाँ पे आता है कुछ criteria. मैम regularity मतलब हम लोगों को ये check करना है if at all any statutory due, what? If at all any statutory due is outstanding. Outstanding for a period more than 6 months. And this requirement is to be checked on balance sheet date. मतलब कोई ऐसा ड्यू जो 31 मार्च पे 6 महीने से ज्यादा ओवरड्यू हो चुका हो, 6 महीने से ज्यादा ओवरड्यू हो चुका हो, यहां पे हम लोग कहेंगे कि दिस ड्यूज आर नॉट रेगुलर. बिकॉज वो अनडिस्प्यूटेड है एज वेल एज रेगुलर नहीं है, कोई झगड़ा झुगड़ी नहीं है, फिर भी आपने पेमेंट नहीं किया, यू आर नॉट रेगुलर, यू आर नेग्लिजेंट. तो ऐसे केसेस आपको बीइंग स्टैट्यूटरी ऑडिटर मेंशन करने होते हैं. तो चल किताब में चलते हैं. मेक दिस चार्ट गाइज ऑल्सो इन योर बुक फॉर रेफरेंस बिकॉज इट विल बी वेरी इजी फॉर रिकैप्चुलेशन. सो पॉइंट नंबर 1, वेदर द कंपनी इज रेगुलर इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड ड्यूज, undisputed statutory dues including GST, PF, ESIC, income tax, sales tax, service tax, customs, excise, VAT, cess, कोई भी other statutory dues as the authority may deem appropriate. मैम कब चेक करना है? The extent of arrears as at the last date बोले तो 31st of March. And मैम हम लोगों को कितना overdue का period चेक करना है? More than 6 months. It is more than, not more than equals to, more than 6 months. From the date it became payable. ठीक है? This shall be indicated. Next, अगर disputed dues है तो हम लोग सीधा सीधा forum, act और amount के बारे में mention कर देंगे. Clear? एक question करें फिर आगे बढ़े. चल एक question कर लेते guys and फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं.
यहाँ पे मैं लिख दूंगी आपके लिए कि कौन सा ड्यू है, फिर यहाँ पे मैं आपके लिए लिखने वाली हूँ कितना अमाउंट है, यहाँ पे मैं आपके लिए लिखने वाली हूँ किस दिन पे ड्यू हुआ था, एंड लास्टली मैं आपके लिए लिखने वाली हूँ कब ये पे हुआ था, कब ये पे हुआ था इन दिस लास्ट कॉल। ठीक है, डन। सो ये है हमारा पहला चार्ट जिसको हमको देखना है। सो एवरीवन गेट सेट रेडी, लास्ट कॉलम में आप मुझे बता देना कि क्लॉज नंबर 7 में इसको रिपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। सबसे पहला केस, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में देयर इज एक्साइज, एक्साइज नहीं जीएसटी लेते हैं, देयर इज जीएसटी व्हिच इज पेबल द अमाउंट ड्यू डेट डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, रिपोर्ट करना है या नहीं करना ये आप मुझे बताएंगे। अमाउंट, दिस इज कस्टम्स ऑन गुड्स केप्ट एट बॉन्डेड वेयरहाउस। फिर तीसरी चीज आती है, से फॉर एग्जाम्पल आपका कोई इनकम टैक्स का ड्यू पेंडिंग है, इनकम टैक्स। फोर्थ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेंडिंग है एंड दिस इज वाया द स्टेट कॉरपोरेशन। ठीक है, द गवर्नमेंट ओन्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पावर यूनिट्स, इसका कोई बिल पेंडिंग है आपका। फिफ्थ कस्टम्स के अंदर ये जो बॉन्डेड गुड्स जो पड़े हैं ना, उस बॉन्डेड वेयरहाउस का, गवर्नमेंट बॉन्डेड वेयरहाउस है, उस वेयरहाउस का रेंट और सम सर्विस चार्ज। ठीक है, ड्यू समझ में आ गए, ये है सारे ड्यूज आपके लिए। अमाउंट कितना है, 3 लाख रुपए। यहाँ पे अमाउंट है 3 लैक्स, 4.5 लैक्स, इनकम टैक्स में 2 लैक्स, इसमें है 1 लाख और यहाँ पे है 60,000.6 लाख। ठीक है, ड्यू डेट जीएसटी वाज ड्यू, जीएसटी वाज ड्यू ऑन 20th of July 2021, इट वाज पेड ऑन 15th February 2022। कस्टम्स ऑन द गुड्स विच आर केप्ट एट बॉन्डेड वेयरहाउस, जो इम्पोर्टेड गुड्स थे, इम्पोर्टेड गुड्स और ये गवर्नमेंट बॉन्डेड वेयरहाउस है, इसका ड्यू डेट था 28th of September 2021 एंड दिस इज पेड ऑन 30th of March 2022। इनकम टैक्स का ड्यू डेट था 30th of September 2021 एंड दिस इज पेड ऑन 31st of March 2022। इलेक्ट्रिसिटी वॉज ड्यू ऑन 1st December 2021 एंड दिस इज पेड ऑन 5th July 2022 एंड ऑडिट रिपोर्ट वॉज साइंड इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। ऑडिट रिपोर्ट डेट एंड यहाँ पे इसको एडिशनल इंफॉर्मेशन में ऐड कर दूँ, ऑडिट रिपोर्ट वॉज गिवन ऑन 13th of August 2022 एंड लास्ट बॉन्डेड वेयरहाउस, जो ये कस्टम्स के गुड्स रखे हुए, उस बॉन्डेड वेयरहाउस का जो रेंट और सर्विस टैक्स ड्यू था, दैट रेंट और सर्विसेज इंटरेस्ट ये ड्यू था, दैट वाज ड्यू ऑन
28 बोला था मैंने, जब भी गुड्स आपने जस्ट इंट्रोड्यूस किए थे एंड स्टफ, सो यहाँ पे आपका मंथ रेंट जो होता है नेक्स्ट उसमें स्टार्ट होता है. सो दैट इज 28th of October 2021 एंड दिस वॉज एक्चुअली पेड ऑन 15th of April 2022 एंड ऑडिट रिपोर्ट डेट इज 13th of August. स्टार्ट करो, मुझे बताओ कि इन पांच में से कौन से ड्यू का जो पेमेंट है ये आप रिपोर्ट करोगे, मतलब इसको कहीं पे आप आउटस्टैंडिंग बताओगे नहीं बताओगे या क्या है. टेक योर टाइम, पॉज योर सेल्फ एंड लेट मी नो. शुरू करें. जीएसटी सबसे पहला हम लोग क्या लुकआउट करते हैं यहाँ पे, मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहला आपको क्या देखना होता है कि वेदर द ड्यू इज अ स्टैट्यूटरी ड्यू और नॉट. ठीक है, क्या जीएसटी स्टैट्यूटरी ड्यू है? हाँ है, बिल्कुल है. ठीक है, चलो टिक. फिर हमको सेकेंड पॉइंट चेक करनी होती है कि आउटस्टैंडिंग जो पीरियड है ये 6 महीने से ज्यादा होना चाहिए एज ऑन बैलेंस शीट डेट. तो सबसे पहले डेट चेक कर लो, इसको थर्ड नंबर पे डाल दो. पीरियड मोर देन 6 मंथ्स, सो चेक ऑज ऑन बैलेंस शीट डेट. बैलेंस शीट डेट पे चेक करने का क्या मतलब होता है गाइस, ये जो आउटस्टैंडिंग पीरियड है ना, जो पेमेंट डेट है वो बियॉन्ड 31st March हुआ, दैट मीन्स दैट ड्यू वॉज ओवर ड्यू एज ऑन 31st of March. मुझे बताओ ये 31st of March तक पेंडिंग था क्या? नहीं. तो इसको रिपोर्टिंग करेंगे क्या? नहीं. मैम अगर ये 31st of March तक पेंडिंग होता तो मैं यहाँ पे चेक करती कि 6 महीने हो गए, मोर देन 6 महीने है या नहीं. यू अंडरस्टूड? तो यहाँ पे इसका रिपोर्टिंग आएगा क्या? नहीं, क्योंकि 15 फरवरी को पे हो चुका, 31 मार्च पे क्या ये आउटस्टैंडिंग है? इल्ले. अगर ये आउटस्टैंडिंग नहीं है तो इसका रिपोर्टिंग करेंगे? नहीं करेंगे. नेक्स्ट, कस्टम्स ऑन द गुड्स, बेसिकली कस्टम ड्यूटी ऑन द गुड्स विच आर केप्ट एट द बॉन्डेड वेयरहाउस. अब तक डोमेस्टिक टेरिटोरियल एरिया के लिए हम लोगों ने इसको विड्रॉ नहीं किया है. वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट गाइज, जो भी कस्टम्स का पेमेंट होता है ऑन द गुड्स विच आर इम्पोर्टेड एंड वो बॉन्डेड वेयरहाउस में है, ये तब तक नहीं लागू होता है जब तक द गुड्स आर इशूड फॉर होम कंजम्पशन. क्या मैंने यहाँ पे लिखा कि यार गुड्स आर इशूड फॉर होम कंजम्पशन? नहीं, बिकॉज यू आर नॉट इशूड फॉर होम कंजम्पशन, आपका ड्यू अक्रू ही नहीं हुआ है. इज दिस अ स्टैट्यूटरी ड्यू? क्या एक्ट के तहत उसको पे करना बनता है? ये तो पहली बार में ही आउट हो गया, ये स्टैट्यूटरी ड्यू ही नहीं है, तो रिपोर्ट क्यों करेंगे? नेक्स्ट आता है इनकम टैक्स. क्या ये स्टैट्यूटरी ड्यू है? हाँ जी, ये स्टैट्यूटरी ड्यू. अमाउंट कितना है? 2 लाख. 31 मार्च 2022 को ये पे हो गया. अगर 31 मार्च सुबह सुबह ये पे हो चुका है तो डू यू थिंक दिस इज आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st of March? दिस इज नॉट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st of March, इसका रिपोर्टिंग नहीं करेंगे. ठीक है, एंड अगर ये आउटस्टैंडिंग नहीं भी होता ना गाइज, ये एग्जैक्ट 6 मंथ्स है, एग्जैक्ट 6 मंथ्स, सितंबर से लेकर के मार्च तक, और हमको पीरियड चाहिए पीरियड मोर देन 6 मंथ्स, फिर भी ये रिपोर्टिंग में नहीं आता. समझ में आए हो? पक्का श्योर? अगर मैं आपको कह देती कि पेमेंट इज मेड ऑन अप्रैल, तो भले पेमेंट अप्रैल में हुआ है बट आउटस्टैंडिंग पीरियड इज 6 मंथ्स अप टू द 31st of March. हमको 6 मंथ्स नहीं, हमको पीरियड आउटस्टैंडिंग कितना चाहिए? मोर देन 6 मंथ्स. नीचे समझे. नेक्स्ट, स्टेट कॉर्पोरेशन के वाया इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट हुआ है आपकी फैक्ट्री के लिए, क्या ये स्टैट्यूटरी ड्यू है? नहीं, ये कोई एक्ट के तहत स्टैट्यूटरी ड्यू नहीं है, तो ये यहीं पे समाप्त हो जाता है, रिपोर्टिंग की कोई गुंजाइश नहीं है. फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने जो ये आपको आगे पीछे डेट्स और ऑडिट रिपोर्ट डेट दिया था वो सिर्फ गुमराह करने के लिए दिया था. इलेक्ट्रिसिटी बिल इज नॉट स्टैट्यूटरी ड्यू. नेक्स्ट, ये जो बॉन्डेड वेयरहाउस पे गुड्स रखे हुए हैं उसका इंटरेस्ट वगैरह जो जमा हुआ है, ये रेंट और ये सर्विसेज, मतलब जो इंटरेस्ट और चार्जेस जो जमा हुआ है, दैट इज एक्चुअली अ स्टैट्यूटरी ड्यू अंडर सेक्शन 61 ऑफ कस्टम्स. ठीक है, सो दिस इज अ स्टैट्यूटरी ड्यू. ये कब ड्यू हुआ था? 28th October 2021. दिस इज पेड ऑन 15th of April 2022. मतलब 31st को ये आउटस्टैंडिंग था. यस, अब काउंट करो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्या 6 महीने हो जाता है? क्या ये आउटस्टैंडिंग मोर देन 6 मंथ्स है? अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 5 महीने और
2 दिन के आसपास। क्या ये मोर देन 6 मंथ्स हुआ? नहीं हुआ, हेंस इसका रिपोर्टिंग नहीं करना है। बोलो, एज पर स्टैट्यूटरी ऑडिटर आर यू रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एनीथिंग अंडर क्लॉज नंबर 7A? क्या ये मेंशन करना है अंडर क्लॉज नंबर 7A? नथिंग इज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड। क्लियर? सुपर डुपर क्लियर। चलो, सो दैट वाज अबाउट दिस थिंग। नोट्स में भी मैंने काफी सारी चीजें आपको कवर अप करके रखी है। दिस 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 एंड हाँ, देखो वार्तालाप को झगड़ा झगड़ी नहीं कहते। अ म्योर रिप्रेजेंटेशन कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ डिस्प्यूट। सो अगर आपको केसेस में ऐसा आता है कि कंपनी ने कोई रिप्रेजेंटेशन फाइल किया है टू वेव ऑफ, थोड़ी क्षमा याचना की है कि सर वी आर सॉरी, प्लीज वेव ऑफ द पेनल्टी एंड स्टफ, तो दैट इज नॉट डिस्प्यूट। खाली रिप्रेजेंटेशन विल नॉट बी रिकॉर्डेड एज डिस्प्यूट। नेक्स्ट आता है अनरिकॉर्डेड इनकम। वेरी इंपॉर्टेंट न्यू क्लॉज ऐड हुआ है कारो 2020 में। अनरिकॉर्डेड इनकम का मतलब होता है इनकम टैक्स के हिसाब से आपको चेकिंग वगैरह करके रिपोर्ट करना। सो वेदर एनी ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट जब भी इनकम टैक्स ने सर्च किया तब उनको पता चला अरे भाई ये पैसा कहाँ से आया आपके पास। सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन टैक्स हैव बीन सॉरी have been the tax assessment under the surrendered and the income during the year of the tax are disclosed. मतलब कुछ उस साल का पैसा ऐसा है जिसके अगेंस्ट में आपको undisclosed income मिल रही है। Tax assessment के तहत आपको undisclosed income मिल रही है। तो whether the previously unrecorded income have been properly recorded in the books of accounts current year, पिछले साल का जो आपने पैसा जमा करके रखा था, पैसा ही पैसा होगा, वो पैसा आपने टैक्स नहीं भरा बट इनकम टैक्स को पता चल गया, तो वो अनरिकॉर्डेड इनकम क्या आपने करंट ईयर में अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज किया है, इसके बारे में आपको बताना है अंडर क्लॉज नंबर 8। नेक्स्ट आता है क्लॉज नंबर 9। क्लॉज नंबर 9 अगेन अ वेरी सुपर इम्पॉर्टेंट क्लॉज। इसके ऊपर खूब सारे क्वेश्चंस है गाइस, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं क्योंकि बहुत ही ब्रिलियंट सा क्लॉज है। रीपेमेंट ऑफ ड्यूज, वेदर द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन रीपेइंग द ड्यूज। अब देखो क्लॉज नंबर 3 क्या था, हमने लोन दिया है, हमने लोन दिया है, एडवांसेस दिया है। क्लॉज नंबर 9 क्या है, हमने पैसा लिया है एंड हमने डिफॉल्ट कर दिया है रीपे करना है, ठीक है। सो वेदर द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट्स ऑफ द लोन्स और अदर बोरोइंग्स और इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द लेंडर्स, इफ यस तो हमको क्या मेंशन करना है, इफ यस हमको मेंशन करना है पीरियड एंड अमाउंट, पीरियड एंड अमाउंट, ये दो चीज हमको रिपोर्ट करनी है। किस हिसाब से करनी है? पॉइंट नंबर 1, हम लोगों को ऐसा टेबल शेड्यूल बनाना है कि नेचर ऑफ द बोरोइंग्स, नेम ऑफ द लेंडर्स, अमाउंट नॉट पेड ऑन द ड्यू डेट, मतलब ये ओवरड्यू है, वेदर ये प्रिंसिपल था या इंटरेस्ट है, नंबर ऑफ डीले डेज का डीले एंड रिमार्क्स इफ एनी कि काहे ऐसा हो गया। अब यहाँ पे भी हमारा 6 पॉइंट्स का डिस्क्लोजर है, जैसे 3 में 6 पॉइंट्स का था वैसे ही 9 में 6 पॉइंट्स का डिस्क्लोजर, वेरी इंपॉर्टेंट। लेंडर वाइज डिटेल्स टू बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ डिफॉल्ट टू द बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट। पहला, वेदर द कंपनी, ये तो ये हो गया ना पहला, ये वाला लेंडर वाइज डिटेल देना। अब बी, वेदर द कंपनी इज डिक्लेयर्ड एज विलफुल डिफॉल्टर। व्हाट इज विलफुल डिफॉल्टर? आपने इनसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड में ये पढ़ रखा होगा कि अगर आपको कहीं भी विलफुल डिफॉल्टर मेंशन करके रखा है बाय एनी बैंक्स, तो उसके बारे में बताना कि यस हमारा जो क्लाइंट है जिसका फाइनेंशियल्स हम लोग ऑडिट कर रहे हैं, इसने पेमेंट नहीं किया है, भाई साहब इज डिक्लेयर्ड एज अ विलफुल डिफॉल्टर। वेदर द टर्म लोन, इसके ऊपर भी हमारे पास एक ब्रिलियंट क्वेश्चन है गाइज, आई टेल यू, वेदर द टर्म लोन वर अप्लाइड फॉर द पर्पज फॉर विच द लोन्स वर ऑब्टेंड, इफ नॉट the amount of the loan so diverted and the purpose for which it was used that has to be reported. Pehle na guys, ye term loan ka amount hum log alag se reporting karte the ki whether the amount raised by the public is used for the purpose. Yahan pe hum log IPO ke bare mein nahi, loan ke bare mein bol rahe hain. Hum logon ne banks ke paas se loan liya, humne kaha ki sir humko expansion karna, humne kya kaha, humko expansion karna. Ab expansion nahi kiya aur hum logon ne कुछ दूसरे काम में लगा दिया ये पैसा, तो यू बीइंग ऑडिटर आपको ये ट्रेस करना है कि यार इन्होंने ये लोन लिया था, जो पर्पस था उसके लिए ये यूज नहीं हुआ है, उसके लिए ये यूज नहीं हुआ है बट ये कहीं और यूज हो चुका है, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ ब्रिलियंट क्लॉज,
टर्म लोन अगर आपने लिया है बट पेमेंट नहीं किया है, डाइवर्सिफाई कर दिया पैसा, पेमेंट तो छोड़ो डाइवर्सिफाई कर दिया. नेक्स्ट, वेदर द फंड्स रेज्ड ऑन द शॉर्ट टर्म बेसिस एंड हैज बीन यूटिलाइज्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म बेसिस, तो आपको यहाँ पे क्लॉज 9D में रिपोर्ट करना होगा. शॉर्ट टर्म के लिए लिया कि हम लोग WIP वर्किंग कैपिटल इन्वेंट्री इसके लिए हम लोग पैसा लेकर के जा रहे हैं, बट हम लोगों ने यूज कर लिया फॉर लीज फॉर फिक्स्ड असेट्स एक्सेट्रा, नहीं चलेगा. ई, whether the company has taken any funds from the entity or the person on accounts to meet the obligations of its subsidiary, associates, joint venture, if yes, then humko nature of transaction batana hoga. Hamari entity ne apne subsidiary ke liye, apne associate ke liye ya JVs ke obligations pay karne ke liye agar loan diya hai to uska nature. Whether the company has raised loan during the year on the pledge of securities held in on the pledge of securities which are held in subsidiaries, joint venture or associate. If yes, then you need to give the detail. And agar default kiya hai, you need to amount, mention the amount of that loan. Ek minute, ye hua kya hai? Samjho. Ye hai company, guys. This is company. Company ne financial institution ke paas se loan diya hai, liya hai. Paisa liya, paisa. और इनको गिरवी दिया है सिक्योरिटीज. क्या दिया है? सिक्योरिटीज. ये सिक्योरिटीज किन की है? ये सिक्योरिटीज उनकी खुद की सब्सिडरी, एसोसिएट, जेवी की. उनका खुद का इन्वेस्टमेंट है इन सब्सिडरी, एसोसिएट या जेवी. तो इसके बारे में बोलना है कि अगर आपने ये सिक्योरिटी गिरवी रखी है एंड उसके अगेंस्ट में आपने लोन लिया है एंड आपने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट का, तो मानो या ना मानो कहीं ना कहीं हमारा कंट्रोल जाने की संभावनाएं हैं, हमारा कंट्रोल जाने की संभावनाएं हैं, तो उसके बारे में आपको रिपोर्टिंग करना होगा. एवरीवन, इजी. इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्यूटीफुल. ये मॉड्यूल में ही दिया हुआ क्वेश्चन, पहले एक क्वेश्चन कर दें फिर आगे बढ़ते. चलिए, सो फोल्डर से मैंने ये क्वेश्चन ओपन कर लिया है आपके लिए. सो क्वेश्चन नंबर 9 वी नीड टू रीड. ठीक है, T Private Limited paid up share capital and reserve less than 50 lakhs and it has no outstanding loan exceeding 25 lakhs from any bank or financial institution. ठीक, चल. Question bank, ये ICAI का study mat है guys, directly taking you to question number 7. A term loan was obtained from a bank for 80 lakhs for acquiring R&D equipment, out of which 15 lakh was used to buy car फॉर यूज ऑफ कंसर्न डायरेक्टर. अरे रे रे, अरे रे रे, टर्म लोन लिया क्यों था? R&D डिपार्टमेंट की इक्विपमेंट्स लेने के लिए. अब वो R&D डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हेड है, वो डायरेक्टर के लिए गाड़ी ले ली 15 लाख रुपए की. लुकिंग एट सर्च एक्टिविटी R&D डिपार्टमेंट एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, हाउ वुड यू रिपोर्ट दिस अंडर कारो 2020? टर्म लोन जो पर्पस के लिए लिया, उस पर्पस के लिए यूज नहीं किया. टर्म लोन जो पर्पस के लिए लिया, उस पर्पस के लिए यूज नहीं किया, हम लोग क्या बोलेंगे? दिस विल बी रिपोर्टेड अंडर क्लॉज 9C. क्लॉज 9C. ओके, टेकिंग यू बैक, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. सॉल्यूशन में यहाँ पे लिख दो क्लॉज 9C. आंसर भी देख लेते हैं एक बार के लिए. यूटिलाइजेशन, हियर यू गो, यूटिलाइजेशन ऑफ टर्म लोन क्लॉज 9 पैरा 3 कारो 2020. So, यहाँ पे आपको लिखना है कि अगर आपने टर्म लोन लिया, नॉट यूज फॉर द पर्पस फॉर विच इट वॉज स्टेटेड, इट विल बी रिपोर्टेड अंडर क्लॉज 9C. वन मोर क्वेश्चन टू डू गाइज, क्वेश्चन नंबर 12. ठीक है, हियर यू गो, क्वेश्चन नंबर 12. वॉट आर द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स इन द ऑडिट रिपोर्ट अंडर द कंपनीज एक्ट अंडर कारो 2020. A fraud has been committed against the company by the vendor of the company. Against the company by the vendor of the company. मेरे को सिर्फ कंपनीज एक्ट के हिसाब से बता दो कहाँ इसको रिपोर्ट करेंगे. Vendor against the company. 120. Yes, very good. 143 subsection 12 में, जहाँ पे हम लोगों ने कहा था कि वेंडर के वाया भी अगर आप फ्रॉड कर रहे हो तो ऑफिसर्स इन्वॉल्व ही होंगे. कारों में भी ये रिपोर्ट होगा. As well as the company has committed major fraud on its customer, company ने fraud किया है, तो ये 143 में reporting नहीं होगा, इसका reporting कारो 10 में ही होगा. Got it? पक्का sure? चल,
तो अब हम आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट वेरी क्लॉज. यहाँ पे खत्म होता है आपका क्लॉज नंबर 9. नाउ मूविंग टू क्लॉज नंबर 10. क्लॉज नंबर 10, देखिए गाइस, अब तक के लिए हम लोग बोरोविंग्स के बारे में बात कर रहे थे, लोन्स एंड एडवांसेस के बारे में बात कर रहे थे. इफ इट ऑल द कंपनी हैज रेज्ड फंड्स वाया आईपीओ या फिर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. आईपीओ लाया है, पब्लिक इश्यू हुआ है या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ है. सो द मेजर पर्पस फॉर यू टू चेक इज कंप्लायंस हुआ है फॉर विच द फंड्स वर रेज्ड. सेकेंड, जब भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होता है तो क्या ये प्रोविजंस को कंप्लाई करते हुए इशू किया है. सो हमेशा ध्यान रखें, पहले कारो 2016 में ये फंड्स जो रेज होते थे उसके अलग अलग क्लॉजेस थे, पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट्स. पहले ये अलग अलग क्लॉज में रिपोर्टिंग होते थे, अब इन दोनों का रिपोर्टिंग हो रहा है एक ही क्लॉज में, दैट इज क्लॉज नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज. आपको रिपोर्ट करना है इफ एट ऑल द फंड्स आर रेज्ड एंड नॉट यूज्ड फॉर द पर्पस. नॉट यूज फॉर द पर्पस, तो आपको यहां पे ये चीजें मेंशन करनी होगी. एप्लीकेशन ऑफ द मनी रेज्ड बाय पब्लिक इशू इंक्लूडिंग डेट इंस्ट्रूमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज. If at all the money is raised by the initial public offer या फिर further public offer, including debt instrument, debt instruments का मतलब क्या, debentures issue करके funds raise करवाए हैं, debentures will be included under clause 10, ना कि term loan. ठीक है, term loan कहाँ include हो रहा था, clause 9 में. And if at all they have not used for the purpose, subsequent rectification हो रहा है, तो यहाँ पे आपको report करना होगा. B part में आता है preferential allotment, same purpose use करना है, as well as compliances with the provisions check करना है कि whether they are complying with the law and ये law के हिसाब से ही issue हुआ है कि नहीं. If not, then you need to provide the amount and the nature of non-compliances. So यहाँ पे क्या-क्या चीजें आती है guys, underline that. क्या क्या सिक्योरिटीज है, नेचर ऑफ सिक्योरिटीज, इक्विटी, शेयर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ये सारा चीज आपको मेंशन करना है. पर्पस क्या था, टोटल अमाउंट क्या है, अनयूटिलाइज्ड बैलेंसेस कितना है, अमाउंट कहाँ पे यूज हुआ है, बैलेंस शीट डेट और कुछ रिमार्क लिखना है. तो मैम, क्या हमको डिस्क्लोजर्स वगैरह के या फिर रिपोर्टिंग के बारे में क्वेश्चन आ सकता है क्या? हो सकता है गाइज की दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन विथ रिगार्ड्स टू द रिपोर्टिंग, कि किस किस एरियाज में आपको रिपोर्टिंग करना. नेक्स्ट, funds raised for expansion used for the repayment of loan will be reported under clause number 9 या फिर clause number 10. basically देखो क्या है ये funds raised for expansion का मतलब क्या है, funds raised for expansion, right? आपने IPO या FPO किया है and आपने बोला है कि आपने इसको यूज कर दिया है फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन, तो वो क्लॉज 10 में रिपोर्टिंग होगा, ना कि रीपेमेंट ऑफ लोन वाले क्लॉज में. ठीक है, ना कि क्लॉज नंबर 9 में. ठीक है, एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस? नेक्स्ट इज फ्रॉड. दिस इज अ बिग, वेरी वेरी बड़ा वाला क्लॉज जिसको रिपोर्ट करना होता है, क्लॉज नंबर 11. क्लॉज नंबर 11 क्या बात करता है गाइज, क्लॉज नंबर 11 बात करता है कि अगर कंपनी में कोई फ्रॉड हुआ है, यू रिमेंबर दैट एक चार्ट मैंने आपको बना करके दिखाया था एंड दैट चार्ट वॉज हैविंग द रिक्वायरमेंट्स फॉर रिपोर्टिंग विथ रिगार्ड्स टू, यस, विथ रिगार्ड्स टू फ्रॉड. आई विल टेक यू थ्रू दैट चार्ट गाइज, जस्ट गिव मी अ मिनट. Yes. So here you go. This is a kind of author's note कि जहाँ पे कारो 2020 में आपको रिपोर्टिंग कब करना है. कारो 2020 में
अगर आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो किसको रिपोर्टिंग करना है? ये रिपोर्टिंग करना है मेंबर्स को। स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिपोर्ट करेगा। एंड हाँ, किस स्थिति में आपको ये रिपोर्टिंग करना है? व्हेन द फ्रॉड इज नोटिस्ड और द फ्रॉड इज रिपोर्टेड। दूसरी बात, अगर ये फ्रॉड किसने किसके साथ किया है, कंपनी ने कोई पार्टी के साथ किया है या फिर ऑफिसर या एम्प्लॉय ने कंपनी के साथ किया है। द फ्रॉड इज कमिटेड बाई एनी वन अगेंस्ट एनी वन, ऑफिसर और एम्प्लॉय अगेंस्ट द कंपनी, या कंपनी हैज कमिटेड फ्रॉड अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी, आपको रिपोर्टिंग करना होगा। मैम, अमाउंट के बारे में कुछ लिमिट था क्या? नहीं, देर इज नो लिमिट व्हेन इट कम्स टू अमाउंट। अमाउंट के रिगार्ड्स में कोई भी लिमिट नहीं है, आपको रिपोर्टिंग करना ही होगा। इतना समझता है? पक्का? मैम, वेंडर ने अगर कंपनी के अगेंस्ट में फ्रॉड किया, आई टोल्ड यू, ये यहाँ पे भी रिपोर्ट होगा, यहाँ पे भी रिपोर्ट होगा। इसके अलावा, यस, तो यहाँ पे मैंने आपको चीजें समझा दी। व्हेन एनी फ्रॉड बाय द कंपनी और एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी इज नोटिस्ड और रिपोर्टेड, द अमाउंट एंड द नेचर इज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्ट। दूसरा पॉइंट, अब ये दोनों ही चीजें एडिशन में है। दूसरा पॉइंट, अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने या फिर कोई भी प्रकार के ऑडिटर ने 143.12 के तहत ADT 4 फाइल कर लिया है, क्या फाइल किया है? ADT 4 फाइल किया है, देन उसके बारे में भी आपको रिपोर्टिंग करना होगा। मैम, एग्जाम्पल, आई एम द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ही इज द कॉस्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी, कोई साइड में पर्सन है, ही इज अ कॉस्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। वो पर्सन ने ADT 4 फाइल किया है अंडर सेक्शन 143.12। अब क्वेश्चन ये उठता है, आई बीइंग स्टैट्यूटरी ऑडिटर, क्या मुझे उन्होंने जो फाइल किया ADT 4 उसके बारे में उल्लेख करना है? हाँ, वी विल हैव टू रिपोर्ट अबाउट द फॉर्म फाइल्ड बाय एनी अदर पर्सन अंडर सेक्शन 143.12। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वेदर द ऑडिटर हैज कंसिडर्ड द विसल ब्लोअर कंप्लेन्स। व्हाट इज विसल ब्लोअर कंप्लेन्स? समझो, विसल ब्लोअर इज अ मैकेनिज्म जहां पे कंपनी कि कोई मतलब दिस इज अ पॉलिसी विच इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट ओपन अंडर ऑडिट कमिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑल्सो। तो कंपनी क्या करती है, सी फॉर एग्जाम्पल, हमारा बड़ा कंपनी, हमारा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो है, हम लोगों ने एक पॉलिसी जाहिर की है कि अगर आपको कहीं पे भी कुछ चीज़ें गलत लग रही हैं, यू डायरेक्टली इमिडिएटली कम टू मी। एक्चुअली हुआ क्या, ये जो भाई साहब है, ये एक नंबर के फ्रॉडुलेंट भाई साहब है। इन्होंने फ्रॉड किया है, बट बाकी सबको पता होने के बावजूद वो मेरे पास आते नहीं है बताने के लिए कि ये भाई साहब ने फ्रॉड किया। मैम, क्यों? खतरनाक है ये भाई साहब। एक बार अमित आया था मुझे बताने, अमित कौन? हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सबसे होनहार इंसान। वो आया था मुझे बताने कि अरे मैम, वो जो मिस्टर एक्स है ना, RDX, उन्होंने कुछ फ्रॉड किया। उसके 2 दिन बाद अमित का ऑफिस में आना बंद हो गया। मैम, क्यों? बाहर जा कर के पीटा था उसको, दे रहे। अब बोलो, उस डर से ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी इंसान हमें ये नहीं बताता कि कहीं कोई गड़बड़ हो रही है, गलत हुआ ना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन, हम लोग एक पॉलिसी जाहिर करते हैं कि आपको कहीं पे भी कुछ लगे ना गलत हो रहा है, आप सीधा मुझे आकर के बताओ। आई विल कीप इट सीक्रेट, मैं बताऊंगी नहीं कि मुझे किसने इन्फॉर्मेशन दिया है। सो इस इन्फॉर्मेशन, मतलब ये मैकेनिज्म के वाया, अगर ऑडिटर को कुछ पता चला है कि कहीं कुछ फ्रॉड हुआ है, तो कितनी कंप्लेंट्स आई वो आपको कारों में मेंशन करना। मैम, नाम लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। सो ना समझो, वेदर द ऑडिटर हैज कंसिडर्ड विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स इफ एनी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर बाय द कंपनी। यू गेट दैट? पक्का श्योर? अच्छा, अब आगे, ऑल्सो रेफर 240, 143.12, मैं आपको क्रॉस लिंकेजेस के लिए लेकर के गई थी। द फ्रॉड कमिटेड बाय द वेंडर अगेंस्ट द कंपनी विल बी रिपोर्टेड अंडर कारो एज वेल एज अंडर 143.12। इसका MC अभी क्वेश्चन भी पढ़ा करके आ गई हूँ मैं। फ्रॉड कमिटेड बाय द कंपनी अगेंस्ट द कस्टमर विल बी ओनली रिपोर्टेड अंडर कारो। समझ में आया? ये अभी अभी क्वेश्चन पढ़ा करके आई, क्वेश्चन नंबर 12। डन? चल, अब आगे, निधि कंपनी, इसके बारे में रिपोर्टिंग। गाइस, ये निधि कंपनी का जो रिपोर्टिंग है, ये पहले भी था, अभी भी है। क्लॉज नंबर 12 में आपको क्या रिपोर्टिंग करना है समझिए। इफ एट ऑल द कंपनी यू आर ऑडिटिंग इज अ निधि कंपनी, मींस इट इज अ टाइप ऑफ NBFC, आपको रिपोर्ट करना होगा अबाउट द रेशियो ऑफ नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट्स। द रेशियो शुड बी 1:20। मतलब कोई भी निधि कंपनी हो, उनका जो रेशियो होना चाहिए अबाउट नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट, ये होना चाहिए 1:20। इसका रिपोर्टिंग करना है, एज वेल एज
whether the needy company is maintaining 10% unencumbered term deposit. What is unencumbered term deposit? Unencumbered term deposit ka matlab hota hai without any charge or collateral. Without any charge or collaterals. So, इन दोनों ही पैरामीटर के बारे में आपको जज करना है फॉर निधि कंपनी. पहला क्या जज करेंगे? द रेशियो ऑफ नेट ओन फंड्स वर्सेस डिपॉजिट, खुद का पैसा वर्सेस लोगों का पैसा. खुद अगर 20 रुपया मार्केट से ले रहे हो, 1 रुपया खुद का इन्वेस्ट करना बनता है बॉस, ठीक है? दैट हैज टू बी 1:20. एंड सच निधि कंपनी शुड मेंटेन एटलीस्ट 10% unencumbered term deposit, that is free from any charge, which has to be open for the depositors. And whether there has been any default in payment of interest on deposits, repayment for any period, agar haan, to aapko yahan pe iske baare mein noting, reporting karna hoga. Ye pehle bhi tha guys, ye abhi bhi hai. Nothing change. Next aata hai transactions. Transactions with related party. Dekho guys, whenever we talk about related parties, ये रिलेटेड पार्टीज वो लोग होते हैं जिनके साथ हर बार मैनेजमेंट मिल करके फ्रॉड कर सकता है. यू नो पार्टनर इन क्राइम. यस, कोई ना कोई तो होगा जिनके साथ मिल करके क्लास बंक की है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट रिलेटेड पार्टीज, पहले तो डेफिनेशन समझ लो. रिलेटेड पार्टीज में कौन आते हैं? मैंने आपको कंपनीज एक्ट में समझाया था. वेरी गुड. रिलेटेड पार्टीज में आते हैं आपके लीनियल असेंडेंट, दैट इज मॉम, डैड, फादर, मदर. लीनियल डिसेंडेंट, सन, डॉटर, सिबलिंग्स, दैट इज ब्रदर, सिस्टर. और दिल में बसी या फिर दिल में बसा वो स्पाउस, इंक्लूडिंग स्पाउस ऑफ योर लीनियल डिसेंडेंट as well as all your step relations. ये तो हुआ बच्चों आपका individual के regards में related party, ठीक है? Excluding stepdaughter, no stepdaughter. But अगर company के regards में मैं related parties मानने जाऊँ तो कौन आता है? वहाँ पे आते हैं आपके holding, आपकी subsidiary, आपकी associate, आपकी JVs, directors as well as relative of directors. So there are two sections when it comes to related party, 276 as well as 277, which talks about related parties and the definition of related party. अब देखो आपको क्या देखना है. You being auditor, as per clause number 13, will have to report about the transactions with related party. Transactions with related party का क्या मतलब होता है? एक बार हमारा जो business है, हमारा business है stylus बेचने का. सो वन ऑफ माई सिबलिंग केम टू मी, मेरा छोटा भाई आया मेरे पास और मुझे कहता है कि दीदी मुझे स्टाइलस की ज़रूरत है. मैंने कहा ले जा, क्या दिक्कत है, अपनी कंपनी है, कितनी चाहिए बता. तो मुझे लगा एक लेकर के जाएगा. बोलते मैं बिजनेस चालू करना चाहता हूँ, मेरे को 100 चाहिए. मैंने कहा उतरी, ऐसा दिल में धक धक तो हुआ, बट फिर मैंने कहा कि ठीक है अपना ही भाई है. मैंने कहा ले जा छोटे, 100 स्टाइलस इंटू रुपीज 8,000 ईच, कितना रुपया होता है, 8,00,000 रुपया. अब छोटे भाई से तो मैं पैसे लेने से रही. मुझे बताओ ये जो विदाउट कंसिडरेशन मैंने ट्रांजैक्शन किया है मेरे रिलेटेड पार्टी के साथ, इज दैट थिंग इन फेवर ऑफ द कंपनी या फिर इट इज प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी? मेरे शेयर होल्डर्स क्या बोलेंगे? मैम भाई आपका है, हमारा थोड़ी, राइट और रॉन्ग? सो वेन एवर इट टॉक्स अबाउट ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टी, आपको चेक करना है कंप्लायंसेस विद सेक्शन नंबर 177 एंड 188, वेरिन दे हैव गिवन अस द मैक्सिमम अमाउंट, द हाईएस्ट अमाउंट जितने अमाउंट के साथ रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. मैम इफ एट ऑल वी आर एक्सीडिंग दैट लिमिट देन, तो फिर हमको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने पड़ते हैं, ठीक है? सो दैट कंप्लायंस इज टू बी चेक्ड. आपको ये भी देखना होता है कि हाउ देयर रिलेटेड पार्टीज आर डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द प्रोसीजर्स परफॉर्म बाय द ऑडिटर, If auditor comes across any kind of non-compliances, you need to verify the nature of related party, nature of transaction, amount involved and any kind of detailed remarks ke bhai kyun hua ye non-compliances. Everyone, for sure, ekdam perfect, choko lage. So there you complete the reporting under clause number
13. अब आगे बढ़ते हैं विथ द रिपोर्टिंग अंडर क्लॉज नंबर 14. सो ए, क्या रिपोर्टिंग करना है आपको इस क्लॉज में, क्लॉज नंबर 14 में. क्लॉज नंबर 14 टॉक्स अबाउट इंटरनल ऑडिट सिस्टम. ये जो इंटरनल ऑडिट सिस्टम है ना, मैंने आपको कंपनीज एक्ट में, कंपनी बनाती है इंटरनल कंट्रोल. आई टोल्ड यू दैट द कंपनी डिजाइन्स, इम्प्लीमेंट्स एंड मेंटेन्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. तो बीइंग एन ऑडिटर आपको यही वेरीफाई करना है whether the company has adequate internal audit system. ये था हमारा ऐसे 315. एंड दूसरा, as per section number 138, company also appoints an internal auditor. Also, company के पास होता है internal audit function. इसी internal audit function को ऐसे 610 में एक statutory auditor, yes, use कर सकता है. So, all in all, we are talking about whether the company has appropriate internal audit system. कंपनी ने इंटरनल ऑडिट के लिए एक अप्रोप्रिएट फंक्शन और सिस्टम बना करके रखा है, विच इज कमेंसुरेटिंग, विच इज इनफ एज पर द साइज एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस. इसके बारे में रिपोर्टिंग करना. दूसरा, वेदर द रिपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ये जो अपॉइंट किया है अंडर सेक्शन 138, इस ऑडिटर में से जो भी कंसिडर, से फॉर एग्जाम्पल ही इज, से फॉर एग्जाम्पल ही इज द इंटरनल ऑडिटर ऑफ द कंपनी. ये बंदा, ये जो इंटरनल ऑडिटर है ऑफ द कंपनी, ये जो बंदा है, इसने कंपनी के इंटरनल ऑडिट फंक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कुछ ना कुछ गड़बड़ी बता करके रखी है. अगर इन्होंने कंपनी के बारे में कुछ गड़बड़ी बता करके रखी है, क्वेश्चन ये उठता है कि गाइज, ये जो बंदा बोल रहा है, क्या वो ये भाई साहब जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, क्या ये भाई साहब उसको चेक वेरीफाई करेंगे, उसको कंसिडर करेंगे? अगर हाँ, तो इस स्टैट्यूटरी भाई साहब को, इस स्टैट्यूटरी ऑडिटर को क्लॉज नंबर 14 में अपने रिपोर्ट में ये लिखना पड़ेगा कि हाँ, इंटरनल ऑडिटर ने जो भी चीज बताई थी उसको हमने कंसिडर किया है. जो भी चीज बताई, जो भी आपने कंसिडर किया, वो रिपोर्ट करना होगा. क्लॉज नंबर 14 ए एंड बी. अब आता है क्लॉज नंबर 15. क्लॉज नंबर 15 इज नॉन कैश ट्रांजेक्शन. आपने वो वाला गाना सुना है, जूते दो पैसे लो. अभी जूते तो पैसे लो वाला रिक्वायरमेंट है ना गाइस, दैट पैसा मेक्स द ट्रांजैक्शन मॉनिटरी. बट अगर जूते दो के बजाय जूते लो होता, लाइक गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता, बार्टर होता, दैट बार्टर इज नोन एज नॉन कैश ट्रांजैक्शन. अब वापस आता, व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, कंपनी अगर डायरेक्टर्स के साथ, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कंपनी, अगर कंपनी ने कोई डायरेक्टर के साथ, इस डायरेक्टर के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन किया है, मतलब पैसा कहीं पे भी नहीं आ रहा है, इन्होंने कार दिया तो इन्होंने सर्विसेज दे दी, हो सकता है ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ है इन दोनों के बीच में, तो फिर आपको ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन के बारे में मेंशन करना है एंड ये चेक करना है कि whether the provisions ऑफ सेक्शन नंबर 192 इज बीइंग कंप्लाइड विद और नॉट. एवरीवन, इजी. ये आपको रिपोर्टिंग करना होता है, ये पहले भी था 2016 वाले क्लॉज में, अभी भी. अब आगे, मार्केट एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन, क्लॉज नंबर 16. व्हेन इट टॉक्स अबाउट रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई, क्या बात करता है, रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई. अब किसको लेना है रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई, समझो. अगर ये जो कंपनी है, दिस कंपनी इज अ बैंकिंग कंपनी, ये कंपनी अगर बैंकिंग कंपनी है तो कौन से एक्ट के अंदर वो रजिस्ट्रेशन लेगा, बैंकिंग कंपनी तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बराबर. ओके, ये जो कंपनी है वो है इंश्योरेंस कंपनी, तो ये किस एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन लेगा, इंश्योरेंस रेगुलेशन, इंश्योरेंस एक्ट, IRDA के पास से रजिस्ट्रेशन लेगा. अब देखो, ये जो कंपनी है ये ना फुल्ली बैंक है ना फुल्ली इंश्योरेंस कंपनी है, बट ये कंपनी फाइनेंसिंग का काम कर रही है. अब क्वेश्चन ये उठता है, ऐसी कंपनी जो है, जो फाइनेंसिंग का काम कर रही है बट बैंक नहीं है, इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कहाँ. आरबीआई एक्ट आता है पिक्चर में और आरबीआई एक्ट कहता है ऐसी कंपनी को हम कहेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, NBFC. इस NBFC को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है अंडर सेक्शन 45IA ऑफ आरबीआई एक्ट. कहाँ पे? 45IA of RBI Act.
अब ये जो आरबीआई एक्ट के तहत हम लोग रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, 45IA के तहत जो रजिस्ट्रेशन हम ले रहे हैं, उस रजिस्ट्रेशन के बारे में भी यहाँ पे लिखना होगा कि वेदर एनबीएफसी जिसका ऑडिट आप कर रहे हो, इस ऑडिटर ने रजिस्ट्रेशन लिया है या नहीं। पॉइंट नंबर टू, इतना हो गया, चलो किताब में चले। वेदर द कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर 45IA एनबीएफसी। नेक्स्ट वाला पॉइंट, वेदर द कंपनी हैज कंडक्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल और हाउसिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी विदाउट अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। हो सकता है कोई ऐसी कंपनी हो जिसने रजिस्ट्रेशन ना लिया हो बट उन्होंने कोई फाइनेंसिंग का काम किया है, तो उसका रिपोर्टिंग करना। फिर हम लोग कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के बारे में बात करते हैं। वेदर द कंपनी इज अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी CIC एज पर द डेफिनेशन गिवन बाय RBI एक्ट RBI, इफ सो क्या वो CIC बनने के सारे लक्षण को पूरा करता है। Whether it continues to fulfill all the criteria of CIC in case a company is exempted or unregistered CIC. Core investment company, basically ये आपको तभी समझेगा when you will be studying audit of NBFCs. Audit of NBFCs में guys मैं आपको सिखाने वाली हूँ आगे, हर NBFC को certificate of registration लेना जरूरी। कुछ ऐसी companies हैं जिनको exemption मिल रहा है but that exemption it with regards to fulfillment of such criteria। मैम नहीं समझा, समझो मैंने बोला दिस इज अ NBFC। अगर इस NBFC को आपने कुछ कंडीशन दे दी, आपको RBI एक्ट, आपने कुछ कंडीशन दे दी कि ये 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 कंडीशन फुलफिल करो, आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना समझे। तो अब ऑडिटर को ये चेक करना है कि क्या ये NBFC जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है वो सारी की सारी क्राइटेरियाज फुलफिल कर रही है या नहीं। गेटिंग दैट? तो दैट इज पॉइंट नंबर सी। So, whether it continues to fulfill the criteria in case the company is exempted or unregistered CIC. Next one, whether group has more than one CIC, ek group company has more than one core investment company as a part of the group, if yes, to group mein kitni core investment company hai, uske bare mein number mention karna. Say for example, koi ek financing business hai. ये पूरे फाइनेंसिंग बिजनेस में 3 CIC है, तो आपको मेंशन करना कि ये जो पूरा ग्रुप है, ग्रुप का मतलब क्या, होल्डिंग, सब्सिडियरी, पेरेंट, एसोसिएट, ये जो पूरा ग्रुप है उसमें कितनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। सो ये क्लॉज एकदम ही नया नया ताजा ताजा गर्मा गर्म ऐड हुआ है। पहले सिर्फ इतना हुआ करता था रिपोर्टिंग करने के लिए, अब ये तीनों पॉइंट एडिशनली ऐड किए हैं एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। समझा है? पक्का? डन। सो यहाँ पे खत्म होता है आपका क्लॉज नंबर 16। अब आगे बढ़ते हैं क्लॉज नंबर 17 की ओर। क्लॉज नंबर 17 टॉक्स अबाउट कैश लॉस। वेयर द कंपनी हैज इनकर्ड एनी कैश लॉस फॉर द फाइनेंशियल ईयर इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, इफ येस, तो आपको कैश लॉस के बारे में मेंशन करना। मैम व्हाट इज कैश लॉस? बच्चों, द लॉस फ्रॉम विच इज इन मॉनेटरी टर्म्स, जहाँ पे हम लोग नॉन कैश ट्रांजैक्शन को नहीं कंसिडर करते, जैसे कि डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, जो नॉन कैश एलिमेंट है। अक्रूवल वाला लॉस नहीं, कैश वाला लॉस, जहाँ पे आप कुल नगद में ये फाइंड आउट कर सकते कि कितने पैसों, रोकड़ा, कितना पैसे का नुकसान हुआ कंपनी को। So that cash loss is required to be reported. Next is, ये सारे के सारे clause additionally add हुए, it was not there in the previous CARO 2016 वाला reporting, it is newly introduced as per CARO 2020 वाला reporting. Considerations of the issues raised by outgoing auditor. अब ये देखो, ये समझने के पहले मैं आपको एक concept समझाती हूँ, समझो। ये है हमारे मिस्टर प्यारेलाल। ये प्यारेलाल भाई साहब ऑर्गेनाइजेशन छोड़ करके जा रहे हैं, रिजाइन कर रहे हैं, एंड यू वेरी वेल नो रेजिग्नेशन के टाइम पे ऑडिटर को फाइल करना होता है फॉर्म नंबर ADT 3। अब ये रिजाइन करके गए। मैम क्यों गए? क्योंकि मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा था, इनका स्कोप लिमिट कर रहा था, उनको काम करने नहीं दे रहा था, कोऑपरेशन नहीं, इंफॉर्मेशन एक्सप्रेशन कुछ नहीं।
अब उनकी जगह पे अपॉइंट किया है हमने मिस्टर नटवर लाल को। मिस्टर नटवर लाल, अब ये जो नटवर लाल जी है इनकी रिक्वायरमेंट होगी टू रिपोर्ट अंडर क्लॉज 18 अबाउट व्हाट, वेदर देयर हैज बीन इश्यूज एनी इश्यूज ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ड्यूरिंग द ईयर, इफ सो वेदर द ऑडिटर हैज टेकन द अप्रोप्रिएट कंसिडरेशंस, appropriate considerations the issues objections and the concerns raised by the outgoing auditor, jo pichla auditor ja raha tha inhone jo concerns raise kiye hai ye inko pata hai. Also second point, outgoing auditor ka matlab hota hai jahan pe inka term khatam ho gaya hai and inko appoint kiya hai. So what he has to report, he has to report ki inhone koi problems face to nahi ki, and secondly jo inhone koi इशू या कंसिडरेशन ऑब्जेक्शन बताया हो तो उसके बारे में यहाँ पे रिपोर्ट करना. सो वेदर देर हैज बीन एनी रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर ड्यूरिंग द ईयर एंड और इफ सो वेदर द ऑडिटर हैज टेकन इनटू कंसिडरेशन द इश्यूज ऑब्जेक्शंस द कंसर्न्स रेज्ड बाय द आउटगोइंग ऑडिटर. नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ द मटीरियल अनसर्टेनिटी as a company to pay the liability, to meet the liability. इसका मतलब क्या है समझो, हम लोग कई बार कैश लॉसेस वगैरह फेस करते हैं एंड अब हमको लगता है कि यार हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है कि हम हमारी लाइबिलिटीज को पे कर सकें. अगर कंपनी दुविधा में है कि कंपनी इमीडिएट लाइबिलिटीज पे नहीं कर पाएगी, पे नहीं कर पाएगी, तो उस मटेरियल अनसर्टेनिटीज के बारे में आपको लिखना. ऑल इन ऑल अगर आप समझ रहे हो तो दिस, एक मिनट, कौन सा क्लॉज था अपना, दिस इज गोइंग कंसर्न क्लॉज. यस, यहां पे लिखो इट इज गोइंग कंसर्न. सो जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि ऑन द फाइनेंशियल रेशियोज एजिंग, बहुत पुराने पुराने डेटर्स हो गए, पैसे आने की बिल्कुल चांसेस नहीं, क्रेडिटर्स आ करके सिर पे खड़े हैं, पैसा दे दो पैसा दे दो, एजिंग ऑफ डेटर्स हो रहा है, एजिंग ऑफ इन्वेंट्री हो रहा है, बहुत सारा पैसा मार्केट में अटका हुआ है, फाइनेंशियल रीजन से आपको लग रहा है कि यार मुझे पैसा आ नहीं रहा है, मैं पे कैसा करूंगा. नाउ दैट इज वॉट हम लोगों को बींग ऑडिटर, हमको ये नॉलेज एक्नॉलेज करना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपका कुछ ओपिनियन है क्या इस स्टैंड पे, आई फोरसी कि आप लाइबिलिटीज को फुलफिल नहीं कर पाओगे. एंड मैम कितने साल तक आप फोरसी कर रहे हो, जस्ट अप टू द पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट. ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल रेशियोज एजिंग एंड एक्सपेक्टेड डेट्स ऑफ रियलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल असेट्स, द पेमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज, अदर इंफॉर्मेशन अकंपनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ऑडिटर को एक्नॉलेज हो रहा है, ऑडिटर्स नॉलेज ऑफ द बोर्ड मैनेजमेंट प्लान्स, वेदर द ऑडिटर इज ऑफ द ओपिनियन that there are no material circumstances, या फिर there exist circumstances no material uncertainties as on the balance sheet date, as on the date of audit report, that the company is capable of meeting the liabilities. मतलब हम लोगों को लग रहा है कि ठीक है कंपनी पे कर पाएगी, चंगा, कंपनी पे नहीं कर पाएगी फिर भी रिपोर्ट कर. And when they fall due within the period 1 year from the balance sheet, मतलब हम लोगों को क्या रिपोर्ट करना है कि कंपनी गोइंग कंसर्न में है, एक साल तक अपनी लाइबिलिटीज चुका पाएगी, अगर नहीं चुका पाएगी हमको अनसर्टेनिटीज लग रहा है फिर भी रिपोर्ट करो. ठीक है, सो लाइबिलिटीज पे कर पाएगी. एंड दूसरा, एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट जो है वो तो कर ही पाएगी, दूसरा 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट नेक्स्ट ईयर और एक साल पूरा खींच ले. तो इतना फोर्सी करके हम लोगों को क्लॉज नंबर 19 में से रिपोर्टिंग करना है. वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका आंसर कैसे लिखा जा सकता है ना, दिस क्वेश्चन कैन बी वेरी वेल मिक्सड विथ ऐसे 570 का प्रोसीजर्स एंड रिपोर्टिंग एज पर कार. तो आपको एक क्वेश्चन दे सकते हैं कि एक्स वाई जेड एज अ कंपनी है, यू आर एक्टिंग एज एन ऑडिटर फॉर द कंपनी, यू फोर्सी की कंपनी के पास कोई सर्वाइवल स्ट्रैटेजी नहीं है, there exists a kind of financial loss, ये ना वो ना,
एज एन ऑडिटर हाउ विल यू डील विद दिस? सो आपको प्रोसीजर्स लिखना है एज पर 570, व्हाट आर द प्रोसीजर्स, इंडिकेटर्स, रिपोर्टिंग, एंड देन नेक्स्ट वाला पॉइंट आपको ये भी मेंशन किया जाएगा कि हाउ एज एन ऑडिटर विल यू रिपोर्ट दिस अंडर कारो. तो यू विल रिपोर्ट दिस अंडर कारो पैरा 390. ठीक है, एंड वन ईयर कैन बी आस्क्ड एज एमसीक्यू. अब आगे द सेकेंड लास्ट क्लॉज फॉर कारो, ट्रांसफर ऑफ अनस्पेंट CSR amount. Wait. Guys, do you all remember? मैंने आपको section number 135 पढ़ाया था. Yes, 135 के केस में I made you all understand कि आपको yes, 135 के केस में मैंने आपको समझाया था कि what you have to do is you have to use the funds for social responsibility. आज अगर आप society के लिए कुछ काम करना चाहते हो तो आपको ये society के लिए अच्छा काम करना है. But अगर 2% बहुत ही बड़ा सम हो जाता है एंड दैट रिमेन्स अनस्पेंट, तो आपको ये एक अनस्पेंट रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करके रखना होता है पैसा. बस उसी के बारे में रिपोर्टिंग करना है कि अगर आपने कोई भी कंपनी का ऑडिटिंग किया, उनको CSR के तहत XYZ अमाउंट यूटिलाइज करना था, अगर उन्होंने यूज कर लिया चंगा, अगर उन्होंने यूज नहीं किया तो क्या वो अमाउंट ट्रांसफर हुआ है? देखिए, so whether in respect to ongoing projects the company has transferred the unspent amount to the fund specified under schedule 7 of the act within the period of 6 months from the expiry of the financial year in compliance with section number 135. whether any amount remaining jo unspent account mein remain reh jata hai in pursuant to ongoing project has been transferred to the special account in compliance with the provision. बेसिकली मैंने आपको 135 के केस में ये समझाया था गाइस. सो हियर यू गो, जस्ट अ मिनट, कंपनीज एक्ट. सो दिस इज 135. You remember this? Unspent account आपको transfer करना था 135 के केस में. So this is the CSR activity use करो. Unspent account to एक fund specified under schedule 7. Ongoing project का 30 days के अंदर अंदर unspent social corporate social responsibility account में transfer करो. And ये utilize हो जाना चाहिए within 3 years. अगर नहीं हुआ तो उसको भी आपको balance transfer करना है. ये मैंने आपको totally यहाँ पे समझाया था. तो यहां की रिपोर्टिंग आपको करनी है अंडर क्लॉज नंबर यस 20. लास्ट क्लॉज, खुश तो बहुत होंगे आप. चलिए लास्ट क्लॉज गाइस, लास्ट क्लॉज फॉर रिपोर्टिंग अंडर कारो. क्या चीज के बारे में रिपोर्टिंग करेंगे हम? क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क इन कारो ऑफ ग्रुप रिपोर्टिंग. वेट, गोइंग बैक टू एप्लीकेशन. एप्लीकेशन में पता है मैंने आपको बोला था दैट कारो नोट में वाला पॉइंट पढ़ाया था, कारो का 21st क्लॉज लास्ट क्लॉज के ऊपर CFS रिपोर्टिंग आएगा. तो ये ग्रुप कंपनीज के बारे में रिपोर्टिंग है. द क्वालिफिकेशन और द एडवर्स रिमार्क इन द कारो रिपोर्ट ऑफ ग्रुप कंपनीज, मतलब क्या, वेदर देर हैव बीन एनी क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क in the respected auditor's report by the respective auditors in the Karo report of the companies included for consolidation. Ma'am, matlab samjha do, ye jo company hai it is a parent company, iski subsidiary hai 3, child 1 limited, child 2 limited, child 3 limited. child 3 limited thoda sa natkhat wala company. child 3 limited ke auditor ne apne Karo reporting mein चाइल्ड 3 के बारे में बहुत ही ज्यादा क्वालिफिकेशंस दे करके रखा. आपको ऑडिटर ऑफ दिस पेरेंट कंपनी, आप जब भी पेरेंट कंपनी का कंसोलिडेशन करोगे तो चाइल्ड 1 लिमिटेड, चाइल्ड 2 लिमिटेड, चाइल्ड 3 लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मर्ज होंगे. इस मर्ज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिपोर्ट जब भी आप बनाओगे, कारो का रिपोर्टिंग दोगे, तो SFS की कारो में भी आपको लास्ट वाला क्लॉज ये देना है कि ये कंपनी जब भी कंसोलिडेशन कर रही थी ना, तभी हमको पता चला है चाइल्ड 3
के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे उसके खुद के ऑडिटर ने एडवर्स रिमार्क्स दिए. क्या एडवर्स रिमार्क्स है वो आपको मेंशन करने हैं अंडर क्लॉज नंबर 21 पैरा 3 कारो 2020. समझ में आया पक्का? चलो. सो 21 क्वालिफिकेशंस ऑफ द एडवर्स रिमार्क इन कारो रिपोर्टिंग ऑफ ग्रुप companies. So whether there have been any qualifications or the adverse remark by the respective auditors in Karo reports of the company included in the consolidated financial statements. If yes, agar aisa hai, then the details of the company and the para numbers of the Karo report of the adverse remark wo hum log batayenge. Hum log bolenge ki Child 3 Limited ke para number so and so mein uski khud ke auditor ne adverse remark diya. And hamesha dhyan rakhe. जब भी हम लोग कोई एडवर्स रिमार्क देते हैं द लास्ट पॉइंट सेज द रीजंस टू बी स्टेटेड फॉर अनफेवरेबल और क्वालिफाइड रिमार्क. वेयर इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट अगर कोई भी पैरा में कोई अनफेवरेबल या क्वालिफिकेशंस दिया है वी हैव टू बैक इट विद अ सपोर्ट. हम लोगों को उसका रीजन बताना पड़ेगा. वी हैव टू स्टेट कि क्यों हम लोगों ने अनफेवरेबल या क्वालिफाइड आंसर दिया है. वेयर द ऑडिटर इज अनएबल टू एक्सप्रेस ओपिनियन, जैसे कि फिक्स्ड असेट हो गया, कोई इन्वेंट्री हो गया, उसके लिए हमारा कोई ओपिनियन आ ही नहीं रहा है, वेयर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू गिव द सेम, तो हम लोगों को रीजंस देना पड़ेगा कि क्यों, व्हाई वी आर नॉट गिविंग एनी ओपिनियन ऑन द यस ऑन दिस ग्राउंड्स. समझ में आता है पक्का? श्योर 100% यस टोटली. सो गाइज देयर यू कंप्लीट कारो 2020 का डीप डिटेल डिस्कशंस.